अजीब। तो दोस्तों, बीजेपी को अब तक विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया के नाम से डर लगता था, लेकिन अब तो उसे गांधी सरनेम पर भी डर लगने लगा है। असम के सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने अब गांधी परिवार को डुप्लीकेट सरदार बताते हुए राहुल गांधी से कहा है कि उन्हें गांधी सरनेम छोड़ देना चाहिए। हिमंता बिस्व सरमा के मुताबिक, अगर कोई डकैत गांधी सरनेम का इस्तेमाल करता है तो इससे वो ऋषि नहीं बन जाएगा। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं हिमंता बिस्व सरमा, असम के मुख्यमंत्री। सुबह सुबह इनका ये वीडियो आया और उसके बाद से बहुत सारी बातें हो रही हैं सियासी गलियारों में, लेकिन सुनिए पहले। ये कांग्रेस लोग जब वोट बटालने का टाइम होता है तब करवा लेता है भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? भानती जी ने तो बताया फुल स्टॉप का कहानी, लेकिन फिर बताया कि नहीं हम लोग इंडिया इंडिया। हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया, और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना, मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। आप कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है? आपको दिखाई नहीं देगा। किस लिए? बहुत सारे ये है। ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया, और इसी जैसा हमारा देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला, फिर बोलते हैं हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकैत अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकैत क्या साधु बन जाएगा क्या? आप लोग भारत का नाम इंडिया नाम का लेके आप लोग बहुत बड़ा गुनाह किया। किस लिए? आप लोग कभी इंडिया को, कभी इंडिया को आपने इंडिया का गौरव बढ़ाने का काम नहीं किया। आपने इंडिया का नाम में परिवारवाद बढ़ाने का काम किया। आपने इंडिया का नाम में देश को तोड़ने का काम किया। तो आपको इंडिया नाम लेने का भी अधिकार नहीं है, और भारत का नाम तो दूर दूर से भी मत लेना। ये तो सबसे बड़ा बात है। ना आपको इंडिया बोलने का अधिकार है, ना आपको भारत बोलने का अधिकार है। और मेरा तो विनम्र निवेदन है, राहुल जी आप कम से कम गांधी नाम छोड़ दीजिए। किसलिए? वो भी तो डुप्लीकेट टाइटल है, वो भी तो ओरिजिनल टाइटल नहीं है। तो ये डुप्लीकेट काम करते 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 आज तक ये 75 साल तक हमारा देश को एक प्रकार पूरा की पूरा जो हमारा समता था, हमारा जो एक विश्व में हमारा जो स्थान होना चाहिए, उससे हमको दूर रखा। तो सुन रहे थे आप हिमंता बिस्व सरमा को, तमाम बातें यहाँ, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे हमला सीधा, और यहाँ कि राहुल जी कम से कम आप तो गांधी सरनेम मत रखिए। ये गांधी सरनेम कहीं मोदी सरनेम के कारण तो नहीं यहाँ पे आ रहा है? मोदी सरनेम की इस आपको याद होगा। खैर, जाहिर है कि बीजेपी और उसके तमाम नेता राहुल गांधी से बेहद घबरा रहे हैं। इधर बीजेपी अभी नाम बदलो और नाम पर सवाल उठाने के अभियान में ही लगी हुई है, और उधर मोदी अपने नेताओं के कारण घिरते जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो उनके नरेंद्र मोदी से धार्मिक स्वतंत्रता पर ही सवाल कर दिया है कि G20 में धार्मिक सहिष्णुता और आज़ादी के लिए जो बातें कही गई हैं वो मोदी की सहमति से किस धर्म के लिए कही गई हैं। स्वामी जानते हैं कि आने वाले चुनाव में मोदी सनातन को मुद्दा बना सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी से मोदी को फंसा दिया है। और इधर जिस मीडिया को मोदी ने 9 साल तक बड़े दुलार से रखा, वो भी अब मोदी तक देश की सही तस्वीर पेश नहीं कर रहा है, और इसी वजह से शायद बीजेपी को घोसी समेत 4 सीटों पर, 4 जो उपचुनाव हुए हैं उसमें हार नसीब हुई है। G20 के बाद यही मीडिया मोदी को विश्वगुरु साबित कर रहा है। चुनाव से पहले इन्हीं बातों को बढ़ाकर G20 का माइलेज लेने का जुगाड़ मोदी ने किया था, लेकिन उस पर विदेशी मीडिया अड़ंगे लगा रहा है। जो बाइडन ने तो वियतनाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि उन्होंने पीएम मोदी के सामने मानवाधिकारों का सम्मान और प्रेस की आज़ादी का मुद्दा उठाया,
वहीं अब ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने साफ लिखा है कि उनके पीएम यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भारत में वैसा आदर सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ऋषि सुनक के इस दौरे को लेकर द गार्डियन ने, दुनिया का बड़े अखबारों में से एक है गार्डियन, आप जानते हैं, गार्डियन ने हेडिंग दी है ऋषि कौन G20 में भारत के करीब आने की होड़ में सुनक निर्धारित वरीयता क्रम से भी नीचे खिसक गए। ये लिख रहा है द गार्डियन कि ऋषि कौन ऋषि सुनक के लिए G20 में भारत के करीब आने की होड़ में सुनक निर्धारित वरीयता क्रम से भी नीचे खिसक गए। अखबार की वेबसाइट में लिखा है दोस्तों कि ब्रिटिश पीएम शनिवार को आखिरकार अपने समकक्ष पीएम मोदी से तो मिले, लेकिन एक दिन के इंतजार के बाद और वो भी बिना किसी प्रभावशाली सेशन के बाद ये मुलाकात हुई है। शनिवार को जब वो नरेंद्र मोदी से मिले तो ये मुलाकात वैसी नहीं थी जैसी ब्रिटिश पीएम को उम्मीद थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ सुनक से मुलाकात के समय और कार्यक्रम में बदलाव किया है बल्कि पीएम मोदी के शहरव्यापी बंद के कारण वो अपने पसंदीदा रेस्तरां भी नहीं जा सके। अखबार लिखता है, द गार्डियन लिखता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक की ये पहली भारत यात्रा थी। उन्होंने खुद को भारत का दामाद बताया था। ऐसे में उन्हें उत्साहपूर्ण स्वागत की उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली में शहरव्यापी बंद होने के कारण बहुत कम लोग ही सुनक से मिलने आए। और आप जानते हैं कि दिल्ली को क्यों बंद किया गया था। इधर कनाडा के कई शहरों में खालिस्तान जनमत संग्रह कार्यक्रम में, आप जानते हैं कि कनाडा में खालिस्तानी जनमत संग्रह का कार्यक्रम भी चल रहा था उस वक्त जब यहाँ दिल्ली में G20 की बैठक चल रही थी, और उस जनमत संग्रह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिख जो हैं मौजूद थे। जिस समय ये जनमत संग्रह कनाडा में चल रहा था ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में आए हुए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से वो मुलाकात कर रहे थे और भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में नई दिल्ली की चिंताओं से मोदी साहब जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो से को अवगत करा रहे थे। लेकिन ट्रूडो ने अपने देश में तमाम तरह की स्वतंत्रता का हवाला देकर अपने शब्दों में इसका जवाब दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने क्या कुछ कहा है ये भी देख लेते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा, कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। अब देखिए ये जो तीन बातें हैं और उसमें भी स्वतंत्रता कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अंतरात्मा की आज़ादी और शांतिपूर्ण विरोध की आज़ादी की रक्षा करेगा, ये कनाडा के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। क्या ये एक नसीहत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? आपको बता दूं दोस्तों कि कनाडा में सिख आबादी जो है वो भारत के बाद सबसे ज़्यादा है और वहाँ ऐसा कुछ होना गंभीर चिंता की बात है कि वहाँ खालिस्तान के पक्ष में और जनमत संग्रह कराया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की चिंता ये है कि विपक्षी गठबंधन ने इंडिया नाम क्यों रखा और राहुल सोनिया प्रियंका अपने नाम के आगे गांधी क्यों लगाते हैं, या फिर बीजेपी किसी बदले की राजनीति पर उतर आई है कि मोदी सरनेम पर राहुल ने टिप्पणी की थी तो अब हम गांधी सरनेम पर टिप्पणी करेंगे, बयान देंगे। एक ने चोर की बात की तो हम डाकू की बात करेंगे, लेकिन चोर या हो या डाकू उससे तभी निपटा जा सकता है दोस्तों जब सरकार मजबूत हो, और जिस सरकार यानी चौकीदार मजबूत हो और जिस चौकीदार के पास नामों पर चर्चा के लिए वक्त हो लेकिन जरूरी मुद्दों के लिए नहीं वक्त हो। वो किस तरह मजबूती से काम करती है ये समझने वाली बात है। आपको बता दूं कि सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने गांधी परिवार के सदस्यों को डुप्लीकेट सरदार कहा है, अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे। उन्होंने यह भी कहा है कि इंदिरा, राजीव और फिर राहुल ने गांधी सरनेम कैसे ले लिया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर तगड़ा वार किया है। एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा यानी ट्विटर पर लिखा है कि बिस्व शर्मा वरुण गांधी के सरनेम रखने के अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। बिस्व शर्मा वरुण गांधी के सरनेम रखने के अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं, ये एक कटाक्ष है पवन खेड़ा की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यानी बीजेपी नेता को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि एक उंगली दूसरों पर उठेगी तो बाकी की तीन उंगलियां जो हैं उसकी तरफ ही उठेंगी, चाहे गांधी सरनेम की बात हो या परिवारवाद की बात हो।
अगर वो कांग्रेस को घेरेंगे तो खुद भी फंसेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी नेता खुद तो फंसेंगे ही, अपने बयान से मोदी को भी फंसा लेंगे। उधर राहुल गांधी विदेश से भी भारत का दर्शन करा रहे हैं, नाम से लेकर नफरत तक पर अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने हॉलैंड, पेरिस फ्रांस की राजधानी और ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी। हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, लेकिन उसके बगल में ही द हेग है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट भी वहां आप जानते हैं, और पॉलिटिकल राजधानी कहा जाता है नीदरलैंड या हॉलैंड की राजधानी द हेग को, वहां थे कल। पेरिस के साइंसेस पो यूनिवर्सिटी में अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं भारत के ऊपर राहुल गांधी ने, हिंदुस्तान के बारे में, नाम के बारे में, इंडिया और भारत के बारे में जो कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। और क्यों यहां परेशान है हिमंता विश्व शर्मा, चाहे हिमंता विश्व शर्मा हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे और भी कई नेता हैं, पूर्व मंत्री जो हैं वो लोग, किरण रिजिजू हो, ये सब जो हैं लाइन में लग जाते हैं, क्यों ऐसा होता है। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज India, that is Bharat, a union of states. So these states, they have got together and formed India or Bharat. And the most important thing is that the voice of all the people who are included in these states is heard loud and clear. And no voice is crushed, intimidated, because I believe that India has an inherent wisdom, that it has a very long history, a long tradition. And my experience has been that regardless of whether people are poor or rich, they have a sense of what India should be doing and where it should be going. So to me, the first step is protecting that voice and making sure that the institutions, the structures that protect that voice are working and are defended. That's where the whole thing begins. And I state that because when we use words like democracy, what we are actually talking about is the voice of people. And listening effectively to that voice, allowing that voice expression, is central to any success. And we've experienced that pretty much everything that we've achieved so far, whether it is our economic growth, our ability to manage our differences, the bedrock of it is this idea that we protect the voice of all our people. And our leader, Mahatma Gandhi, said it best when he said that the most important voice is the one that's last in the line. It's the most difficult voice to protect. And a nation that is doing that will succeed. तो सुन रहे थे आप यहाँ राहुल गांधी को, साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाहे भारत की बात हो, इंडिया की बात हो या महात्मा गांधी की बात हो, ये तमाम बातें यहाँ राहुल गांधी कहते हुए, अपनी बात रखते हुए, भारत की फिलॉसफी को, भारत की आवाज़ को यहाँ रखते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। आइडिया ऑफ इंडिया, उसकी बात यहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और राहुल और गांधी आखिर क्यों बार बार, और उसके साथ साथ अब इंडिया, क्यों परेशान कर रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी के नेताओं, मंत्रियों, साथियों को? और सबसे बड़ी बात कि राहुल ने विदेश से चल दिया है क्या मास्टर स्ट्रोक, जिसमें फंस गई है बीजेपी? इन सब पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। आइए, हमारे साथ एक खास साथी जुड़े हुए हैं, नॉर्वे में हैं इस वक्त, और राहुल गांधी की इस यात्रा में साथ साथ हैं वीरेंद्र वशिष्ठ जी,
और IOC इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत इंतजार था, क्योंकि आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि राहुल गांधी की ये चार देशों की यात्रा क्या कुछ दे करके और वहाँ से आप लोग क्या लेके आ रहे हैं और क्या भारत को दे रहे हैं वहाँ से। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर राजीव जी, प्रकाश गोस्वामी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ रिटायर्ड IPS ऑफिसर विजय शंकर सिंह साहब हैं, हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और इधर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। वीरेन जी आपके पास ही आ रहा हूं, वीरेन जी की आवाज जरा कीजिए और सीधा वीरेन जी आपसे समझूं कि क्या कुछ इस वक्त अभी आप नॉर्वे में हैं और कार्यक्रम था नॉर्वे में, पार्लियामेंट में कुछ कार्यक्रम था, क्या कुछ था राहुल गांधी का और जो कुछ यहां चल रहा है उसकी खबर भी खूब होगी, आपको भी होगी, राहुल गांधी को भी होगी और आपके पूरे लीडर्स को होगी, नेताओं को होगी। क्या कुछ वहां के लोग कहते हैं और क्या कुछ वहां से हिंदुस्तान को आप लोग दे रहे हैं? हिंदुस्तान में जो सत्तारूढ़ दल है उनका कहना है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं देश का नाम बदनाम करते हैं। मेरे को अभी जाना होगा, एक बार मीटिंग में जाना है, मैं माफी चाहूंगा, पर हर भारतवासी चाहे वो देश में या विदेश में राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि देश का नागरिक, देश में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जो दोबारा से ऐसा लगने लगा है कि देश ना के जो हालात हैं वो ठीक नहीं और नफरत का बाजार खुलता जा रहा है, उसको रोकने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, देश के हर नागरिक को है। और इसी के साथ मुझे एक बार जाना पड़ रहा है, एक मीटिंग में मैं स्पेशली आपके लिए आया था, धन्यवाद, मेरे को अब जाना पड़ रहा है, सॉरी। आराम से आपसे बात करेंगे, बहुत शुक्रिया आपको कि आपने ये जो भी वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप मीटिंग अटेंड कीजिए, आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, कैसे देखा जाए उधर राहुल गांधी, इधर हिमंता विश्व शर्मा की बातों में कितना दम है? नहीं देखिए राजीव जी, जो ये G20 की मीटिंग हुई, पहले इस पे छोटी सी एक टिप्पणी कर दूं, देखिए जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे, जो नहीं आए वो तो स्पष्ट हो गया, रूस और चीन नहीं आए, लेकिन जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आए उनकी भी एक एक करके शिकायतें सामने आ रही हैं। जो बाइडेन साहब ने जाके कहा और जो जिस प्रकार से ऋषि सुनक जी की प्रतिक्रिया मिली और जिस प्रकार से आपने देखा कि टर्की के राष्ट्राध्यक्ष के जो सिक्योरिटी में लड़की थी उसके बैग को चेक किया गया जब वो बिल्कुल प्रवेश कर रहे थे और वो जो वहां के टर्की के प्रेसिडेंट थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे आपको चेक करना था उनका बैग पहले चेक कर लेते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए अतिथि देवो भव का जो हमारा संस्कार है, अगर आपके अतिथि ही प्रसन्न नहीं है और हर अतिथि को, और आपने देखा टुडो साहब का जिस प्रकार से उन्होंने आए मोदी जी के साथ खड़े हुए, केवल 30 सेकंड के लिए खड़े हुए, फोटो उन्होंने खिंचवाई और सीधे निकल गए, तो इसका मतलब अगर आप बॉडी लैंग्वेजेस को सबको स्टडी करें, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनकी बॉडी लैंग्वेज को लगे तो उनको सबको ही महसूस हो रहा था, उनको देख के हमको महसूस हो रहा था कि मोदी जी केवल अपने को प्रोजेक्ट कर रहे थे और मोदी जी दूसरे नेताओं को, जो विश्व के दूसरे नेता जो हमारे अतिथि थे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अपने ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, उनका कोई दूसरा नेता उनके सामने नजर नहीं आया और विश्व के जितने हमारे अतिथि थे उनको भी उन्होंने नीचा करके दिखा दिया। जो मुझे आज लगता है, जो विश्वकर्मा साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी ने जो बहुत साल पहले जो बिस्किट खिलाया नहीं था उनको और दूसरे अपने जो पेट था उसको खिला दिया था, मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक किया था। देखिए ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप BJP ने लगाए थे और आज वो मुख्यमंत्री हैं, तो जिस प्रकार की भड़ास और जिस प्रकार का अपना प्रदर्शन करने की वो कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार से दिखावे की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये सरनेम रखना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, सरनेम रखना या न रखना। अगर मान लीजिए मैं प्रभावित हूं अम्बेडकर जी से और मैं अपना नाम, मेरे पिता चाहे स्वामी रहे हो, मेरे बाबा स्वामी रहे हो, अगर मैं अपना नाम अखिल अंबेडकर रखना चाहता हूं, इसमें को क्या परेशानी की बात है? अगर महात्मा गांधी ने इंदिरा जी को अपनी बेटी मानते हुए अपना सरनेम दान दिया था और इंदिरा जी ने उसको स्वीकार किया था, पंडित नेहरू ने उसको मान्यता दी थी, तो इसमें शर्मा जी को परेशानी की क्या आवश्यकता है? आप सरनेम न रखें तो कोई परेशानी नहीं है, सरनेम रखें तो परेशानी नहीं है। ये कहां संविधान में लिखा हुआ है कि जो आपके
पिता का और बाबा का नाम होगा वही आपको सरनेम लिखना होगा। मैं जिससे भी प्रभावित हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांधी नाम रखते हैं, विदेश में रहते हैं गांधी नाम रखते हैं। तो ये जो प्रश्न इन्होंने उठाया है इसका कोई मतलब नहीं। असली मुद्दा ये है, राहुल गांधी जिस परंपरा को लेकर आगे चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और पूरे विश्व में जो संदेश दे रहे हैं, और आप यहां क्या संदेश दे रहे हैं ऋषि सुनक जी की बात पे आप जरा सोचिए। राजीव जी, अगर उनको महसूस हुआ, ये बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में दामाद को इतना उच्च स्थान दिया जाता है और वास्तविकता है कि ऋषि सुनक हमारे देश के दामाद हैं और नारायण मूर्ति साहब की बेटी उनसे विवाहित है, तो एक ऋषि सुनक जी को तो हमें इतना ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिए था। और अगर उनको खरीदारी का मौका नहीं मिला और टर्की के प्रेसिडेंट अगर जूता बेचारे खरीद के आए थे और उनकी वहां जमा तलाशी हो गई, उनके सिक्योरिटी के साथ जो लड़की चल रही थी उसको, और वहां बहस हुई बकायदा, तो आप सोचिए आप विदेश में अपनी क्या छवि बना रहे हैं। और सारे राष्ट्राध्यक्ष अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, बाइडेन साहब अगर इस तरह की बात दूसरे देश में जाके कह रहे हैं कि मैंने मानवाधिकार की बात की है, तो कौन सा ऐसा देश था? आधा जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वो तो आपके उन्होंने बायकॉट कर दिया एक तरह से, साउथ अफ्रीका में आपके भाषण का बायकॉट कर दिया, तो आप कैसे विश्वगुरु बने? तो ये शर्मा जी को ये सोचना चाहिए कि जो एक इस समय बात है, असली मुद्दे हैं जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उनको तो चलिए आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है, अगर विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आपके आ रहे हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष बताइए जिसने स्ट्रेट अवे कहा हो कि मैं जो सोच के आया था, भारतवर्ष की जो परंपरा है, हमारे यहाँ अतिथि को जिस प्रकार से स्वीकार किया जाता है उसका अभगत होती है, वो क्या हुई? अगर उनको नहीं हुई तो हमारे डंके पीटे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा अतिथि जो भी आए वो खुश होके जाए। जितने भी राष्ट्राध्यक्षों की बात मैंने सुनी उससे लगता है कोई भी खुश नहीं है, सब नाराज होके गए हैं और सबको महसूस हुआ है कि मोदी जी ने अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए और पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि खुद तो अपना कद बढ़ा नहीं पाए, बाकी राष्ट्राध्यक्षों का कद घटाने का प्रयास किया है। राष्ट्राध्यक्षों के कद को घटाने का प्रयास और मोदी जी अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, बल्कि ये बात जो है दुनिया के तमाम अखबारों में मीडिया के जरिए ये बात सामने आई है, चाहे द वाशिंगटन पोस्ट से लेकर के गार्जियन तक। आप देखिए ऋषि सुनक की बात हो या और भी जस्टिन ट्रूडो की बात हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ अगर समय नहीं दिया जाता है, व्हाइट हाउस से भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई, और जब वियतनाम पहुँचे हैं यहाँ से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो वहाँ वियतनाम में उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, और वो जो ट्वीट उन्होंने कल किया था आप तक हमने पेश किया था, उस ट्वीट को आपको हमने बताया था जिसमें गांधी जी की ट्रस्टीशिप की बात थी और गांधी जी को याद सब कर रहे हैं, गांधी जी को, राहुल गांधी उधर जब विदेश में हैं अभी चार देशों की यात्रा में हैं और आज आखिरी पड़ाव उनका ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी वहां, और अभी ओस्लो से ही जुड़े थे हमारे साथी आईओसी के सेक्रेटरी वीरेंद्र वशिष्ठ जी, और जो अभी भागे भागे आए थे और भागे भागे राहुल गांधी के साथ चूंकि चल रहे हैं, अब बाद में उनको जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि और क्या कुछ चल रहा है। लेकिन बहुत बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं और हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या उसमें कोई फर्क है? जरा आना चाहता हूँ, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, पहले तो आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूँ कि क्या कुछ देखते हैं राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, नाम की बात यहाँ भी हो रही है। आप याद कीजिए कि आज हिमंता विश्व शर्मा जो बात कह रहे हैं गांधी सरनेम को लेकर के, यही बात कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे संसद के अंदर नेहरू सरनेम को लेकर के, याद होगा आपको। तो ये सब लोग मिलकर के एक ही तरह की बातों को फ्रेम करते हैं और बाहर निकालते हैं। चुनाव का समय है, ऐसे फ्रेमवर्क बहुत दिखाई देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया पे अभी भी हमला हो रहा है। भारत रोमन में लिखा हुआ हम देख रहे थे अभी G20 में, और ये बात वहां राहुल गांधी से पूछी भी जा रही है, लेकिन साथ में गांधी भी हैं। मोदी सरनेम का मामला है क्या यहाँ या कुछ और है? सुनील जी धन्यवाद। राजीव जी, दरअसल है क्या कि विपक्ष खासतौर से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं देश के बारे में, इन सवालों का कोई जवाब इन लोगों के पास नहीं है। अगर वो ये उठा रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है,
संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो जवाब तो आपको यूँ देना पड़ेगा ना कि जिस बात को कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो बातें कहीं मिलती जुलती बातें उसी तरह की अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कह दिया वियतनाम पहुंच के, और वो भी नहीं कि अचानक कहा, जब वह भारत में थे नई दिल्ली में उनकी द्विपक्षीय मुलाकात के बाद, अगर उनके साथ आए हुए समाचार पत्र प्रतिनिधियों से उनको बात करने की अनुमति आप नहीं देते हैं तो आप संदेश क्या देते हैं? आप वही उन्हीं आरोपों की पुष्टि करते हैं जो राहुल गांधी उठा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? क्या आलोचना, असहमति और विपक्ष के बगैर लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? अगर इसके बगैर नहीं की जा सकती तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं, और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं आपके पास उसका जवाब है नहीं, तो आप ये कहिए कि साहब हेमंत बिस्व शर्मा साहब कह रहे हैं कि गांधी सरनेम कहाँ से आ गया। अरे आपका विषय थोड़े है, ये जो विषय इनका नहीं है उसी विषय पर बात करते हैं, और इनको इस बात का हमेशा ये भय है कि ये जो नेता हैं ये अपने राजनीतिक गतिविधियों से भारतीय जनता पार्टी के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ एक जो विरोधी माहौल बन रहा उसके लिए ये काम कर रहा है, तो इनको विश्वसनीय बनाने की यह कोशिश है, लेकिन अभी होने वाला नहीं है। देखिए ये जितनी बातें होनी थी हो चुकी, अब सवाल यह है कि आप 9.5 साल से 10 साल से सत्ता में हैं वर्तमान में, और इसके पहले भी आप 10 साल सत्ता में रह चुके हैं, 6.5 साल 7 साल के लगभग अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मोरारजी देसाई साहब की सरकार में आप थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आपने चलाई, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सत्ता में नहीं है। तो आपको अपने गवर्नेंस की जिम्मेदारियों का, उत्तरदायित्वों का हिसाब देना है। लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि नोटबंदी का क्या हुआ, आपसे लोग ये पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी हल करने के बारे में आपने किया क्या, लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि महंगाई का क्या हुआ, और आप ये कह रहे हैं कि साहब इनको गांधी सरनेम रखने का अधिकार नहीं है, ये कौन तय करेगा? ये सवाल कहां से पैदा हो गया? आप अपने गवर्नेंस के जिम्मेदारियों का हिसाब किताब देने के बजाय जो जनता के बीच से सवाल उठ रहे हैं उनके बजाय आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो आपको सुनेगा कौन? आप आजाद हैं कुछ भी कहने के लिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है, आपको कुछ भी कहने का हक है, लेकिन प्रश्न यह है कि आप जो बात कर रहे हैं उसको सुन कौन रहा? मुझे तो नहीं लगता कि इस देश की जनता इस बात को सुनने के लिए तैयार है, और अगर इनकी बात को लोग सुन रहे होते तो जब जो अभी 6 राज्यों में 7 जगहों पर चुनाव हुए वहां पर परिणाम सामने नहीं आते, लोग इनके साथ खुले खड़े होते। अगर उत्तर प्रदेश की जनता एक विधानसभा क्षेत्र में 57% लोग इनके खिलाफ चले गए तो ये गांधी का सवाल थोड़ा है कि किसने गांधी सरनेम रख लिया और किसने नेहरू सरनेम रख लिया। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि आप सत्ता में हैं, सत्ता में रह के आपने क्या किया, इसका जवाब आपके पास नहीं है। और राहुल गांधी, मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी ने विदेश में ये सवाल पैदा लोग कर रहे हैं कि G20 के दौर में राहुल गांधी को स्वदेश में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? पूरी सरकार यहाँ पे है। और दूसरी चीज कि इस सरकार ने विपक्ष को पूरे आयोजन में शामिल करने का प्रयास कहाँ किया? ये कहाँ लगा कि ये पूरे देश का आयोजन है और पूरे देश की जनता इसमें शामिल है? विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप पूरे आयोजन में तमाम चित्र चल रहे हैं, तमाम वीडियोज घूम रहे हैं, आप उसमें देखेंगे सरकार के वरिष्ठ नेता मंत्री नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कहीं, किसी वरिष्ठ नेता को कहीं भी किसी आयोजन में आप नहीं देख सकते, किसी विदेशी प्रतिनिधि से उनकी मुलाकात हो रही हो, मुलाकात कराई जा रही हो, उनके बीच कोई बातचीत हो रही हो, सिवाय विदेश मंत्री के और वित्त मंत्री के। तो न तो विपक्ष को आपने शामिल किया, न सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को आपने शामिल किया, न विपक्ष के नेता को आपने शामिल किया, तो ये तो सरकारी आयोजन बन कर रह गया। और आप इस आयोजन को शुरू से देखिए कि इस आयोजन के तौर तरीकों के लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि दुनिया के किसी भी देश ने अपने यहाँ इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में अपने स्थानीय नेता का इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया जो हिंदुस्तान में किया गया। लगभग हर अखबार लिख रहा, कोई ऐसा अखबार नहीं जिसने विदेशी अखबार जिसकी चर्चा न कर रहा हो। और आप खुद भी जाकर देखेंगे कि मतलब केवल उन जो भाग लेने वाले प्रतिनिधि देश हैं उन देशों के झंडों के अलावा कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, यहां तक कि चीन में भी इस तरह का प्रचलन नहीं रहा। लेकिन ये अब तो जो ये बात कही जा रही है, जो बड़े नेताओं ने भी इस बात को कहा और समाचार पत्र प्रतिनिधियों ने भी कहा कि ये लग रहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री अगर होने वाले चुनाव के मद्देनजर अपना प्रचार करने के लिए लगे हुए थे, क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में इस तरह के आरोप कहीं से भी किसी भी देश के लिए श्रेयस्कर है क्या? अगर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो क्या गुलाह कर रहे हैं?
अगर आप लोगों को शामिल नहीं करेंगे, देश के इससे जुड़ी हुई जनता का सवाल आप उसमें शामिल नहीं करेंगे, और आपको हासिल क्या हुआ? अगर आपसे पूछे कि G20 के इस आयोजन के बाद इस देश में निवेश की क्या स्थिति हुई, कौन सा निवेश आपने आमंत्रित कर लिया सिवाय अब एक बाजार बनने के अलावा, कौन सी आपकी ख्याति होगी? अगर आप ये कहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को आपने सदस्यता दिलवा करके अफ्रीका अफ्रीकन देशों के नेतृत्व के लिए आप आगे बढ़ गए हैं, आपके इस पहल के कितने पहले चीन घुसपैठ कर चुका है। ब्रिक्स के दौरान ही इस बात का ये दिखाई पड़ा कि चीन के राष्ट्राध्यक्ष को किस तरह का सम्मान मिला और हम लोग कहाँ रह गए। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है केवल कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा वह इतने गंभीर हैं और इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन सवालों का जवाब इस सरकार के पास नहीं है। और उसी से विषयांतर करने के लिए आप चाहे गांधी सरनेम का सवाल उठा दीजिए, चाहे नेहरू सरनेम का सवाल उठा दीजिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरनेम की बात आखिर नाम पे आकर क्यों अटक जा रही है बीजेपी? भारत, इंडिया, गांधी, इन सब चीज़ों पे, नेहरू, इन सब चीज़ों पे क्यों अटक जा रही है बीजेपी? क्या यहाँ से कोई अलग तरह की राजनीति की दिशा खोज रही है, या दिशा मिल गई है, वो डायरेक्शन मिल गया है जिस डायरेक्शन में बीजेपी आगे के चुनावों को भुनाने की कोशिश करेगी? ज़रा समझना चाहता हूँ प्रशांत जी, आपसे समझना चाहता हूँ। ये बार बार नाम पे इंडिया इंडिया भी हिमंता बिश्व शर्मा कर रहे हैं, राहुल गांधी से वहाँ सवाल जो किए जा रहे हैं उन सवाल में भी नाम की बात आ रही है, अब भारत जोड़ो यात्रा से इंडिया तक के सफर में, इंडिया गठबंधन के सफर में जो बातें हो रही हैं उन बातों पे आखिर क्यों अटक रही? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 देशों का जो ये ग्रुप है G20, उसमें रोमन लिपि में भारत लेकर के बैठना क्यों पड़ा? इसके पीछे राजनीति तो होगी कुछ, या ऐसे ही है, क्या है आखिर, जरा आपसे समझो। राहुल गांधी पर जो रिसेंट अटैक हो रहे हैं उसकी जड़ में जो राहुल गांधी एक सवाल उठा रहे हैं 20,000 करोड़ का, अडानी का, वो क्या है? उसके पहले मैं जरा हिमंत बिस्वा शर्मा की, क्योंकि आपने चर्चा की, ये हिमंत बिस्वा शर्मा बार बार क्यों ऐसे बयान देते हैं, बार बार क्यों ऐसे साबित करने की कोशिश में है कि वो बीजेपी के बड़े कर्मठ सिपाही हैं और वो गांधी परिवार से बड़ा लड़ रहे हैं। असल में इनके ऊपर आरोप लगता है राजीव जी कि इन्होंने असम की बीजेपी को हाईजैक कर लिया है, और वहां पे जो पुराने बीजेपी के नेता हैं वो अमित शाह से शिकायत कर चुके हैं इनकी, तो वहां पे और इनकी लोकप्रियता भी असम में घट रही है बहुत, तो उन परेशानियों से ये घिरे हुए हैं और इसलिए इनको बार बार साबित करने की आवश्यकता होती है कि ये बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और कोई वजह नहीं है। दूसरी कि जहाँ तक मामला है कि राहुल गांधी पे क्यों ऐसे अटैक हो रहे हैं, कारण देखिए राजीव जी अडानी है और गंभीर कारण है, और आगे आने वाले समय में ये और अभी हमको नए खुलासे देखने को मिलेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट गया है पटिशनर की तरफ से, पटिशनर का नाम है अनामिका जायसवाल, और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं लंबे एफिडेविट में कि कैसे सेबी को 2014 में सबूत दिए गए DRI के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा, और कैसे उन्होंने जांच नहीं की। वो पूरे नए कागजात के साथ ये एफिडेविट गया है कई पेजेस का, ये मांग करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच कराए। उस एफिडेविट में सेबी की जो इंक्वायरी टीम है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, उसमें जो एक वकील है शरीफ श्रॉफ, उनके ऊपर भी उंगली उठाई गई है कि वो अडानी के समधी हैं, उनके बेटे की शादी हुई है अडानी से के बेटी से, तो इसलिए ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। वो एफिडेविट आज मीडिया में आ रहा है और इसकी बड़ी धमक होगी। अब दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात राजीव जी ये है कि 4 दिन बचे हैं संजय कुमार मिश्रा के नए एक्सटेंशन के बाद ईडी में बने रहने को,
और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कैसे सब कुछ ठीक कर पाए जो एफएटीएफ रिव्यू चल रहा है। तो केंद्र में राजीव जी 20,000 करोड़ का सवाल है जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, और उस सवाल की तरफ जो है अब नए सबूत सामने आ रहे हैं, नए एफिडेविट सामने आ रहे हैं। ये डर है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ना दे, ये सारे इसकी तह में ये है 20,000 करोड़ का मामला। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तह में 20,000 करोड़ रुपए का मामला, यानी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो अदानी का मामला है। अदानी का मामला सुप्रीम कोर्ट, ईडी के डायरेक्टर अब 15 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले क्या कुछ है इस पर भी खूब चर्चा चल रही है, आप लोग देख भी रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इन सब से इतर राहुल गांधी विदेश में जो बातें कह रहे हैं, यहाँ नागवार क्यों गुजर रही हैं वो बातें, क्यों बार बार अभी फिर से, और इतना ही नहीं 15 तारीख को ईडी के डायरेक्टर का रिटायरमेंट है और उसके बाद 18 तारीख को संसद सत्र स्पेशल सेशन है 5 दिनों का, आखिर क्या कुछ होने जा रहा है अगले 10 दिनों में, इस पे चर्चा हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि राहुल गांधी विदेश में कर क्या रहे हैं। आइए जरा आना चाहता हूँ संजय जी, आपके पास आना चाहता हूँ संजय जी, कैसे देखा जाए इसको अगले 10 दिनों को? नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जो पिछला 10 साल का रहा है उसमें वो एक तानाशाह के रूप में दिखते हैं और वो पहले दिन से दिखता है। मैं पहले दिन से मैं इसलिए कहूंगा कि नवाज शरीफ को निमंत्रण चला गया आने के लिए, जो आइडियली नहीं जाना चाहिए था और बिना नरेंद्र मोदी के नहीं गया होगा, उन्होंने कहा होगा तभी गया होगा। तो वहां से शुरू करिए और उसके बाद नोटबंदी से लेकर के जो भी तरीका है उनका काम करने का तरीका पूरा तानाशाही वाला है, जिसको सबका सपोर्ट है और उसके लिए उनके पास आईटी सेना है। अभी तक किसी प्रधानमंत्री के पास आईटी सेना नहीं होती थी, इनके पास है और उस पर एक पूरी किताब है, इसलिए मैं उसको तो ऑफिशियल भी कहूंगा। और उसमें ये आरोप भी है कि ये उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री सपोर्ट करते हैं, सॉरी फॉलो करते हैं, जो गालियां देते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये भी हुआ था कि प्रधानमंत्री से कहा गया कि आप इन लोगों को फॉलो मत करिए, ये लोग गाली देते हैं वगैरह वगैरह, तो प्रधानमंत्री ने तो फॉलो करना नहीं ही छोड़ा। बीजेपी की ओर से बयान जारी हुआ था कि प्रधानमंत्री अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, उन्होंने कभी भी किसी को सोशल मीडिया पर ब्लॉक नहीं किया है वगैरह वगैरह। तो प्रधानमंत्री की यह कार्यशैली है कि उनको खुला हाथ चाहिए और वो लोगों को खुला हाथ भी देते हैं अगर गालियां देने का अधिकार है तो इस ढंग से वो कार्य करते रहे हैं और हम लोग 10 साल से देख रहे हैं, जिसको सबका सपोर्ट है। तो उसमें जब इंडिया नाम रख दिया, विपक्षी एक तो विपक्ष का गठबंधन हो गया, वो अपने आप में बड़ी बात थी कि सब लोग मिल गए और जो वोटों की गणना है मोटा मोटी हिसाब से समझ में आ रहा था कि फाइट बहुत तगड़ा हो गया। और पहले से इसके लिए लोग कहते रहे थे कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दल एकजुट हो जाते हैं वगैरह वगैरह, अमित शाह ने उसके लिए दीमक कीड़े मकोड़े चूहा बिल्ली सब कुछ कहा हुआ, तो वो सब अपनी जगह है। तो उसके बावजूद जब एकजुट हो गए तो वो तो अपनी जगह था ही, और जब उसका नाम इंडिया रख दिया गया तो ये इनके लिए भारी संकट बना। अभी एक दो दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इंडिया को वोट दो, इंडिया के लिए ये करो, इंडिया को भगाओ वगैरह वगैरह, तो वो वीडियो मेरे पास है। तो नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लिए इतना प्रचार किया है पिछले कुछ वर्ष पहले, तो अब अगर इंडिया विपक्ष हो गया और मोदी जी का वो वीडियो है, तो मोदी जी ने अभी तक इंडिया के लिए जो प्रचार किया है उसमें अब उनकी मजबूरी है कि वो इंडिया को डैमेज करें, इंडिया से अलग हो जाएं और भारत का नाम ही इंडिया बदलने की स्थिति आ गई। वो ठीक है, लेकिन वो बदल दे रहे हैं या बदलने की कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में सोच भी रहे हैं, ये उनकी तानाशाही प्रवृत्ति का उदाहरण है। और जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो इस तानाशाही प्रवृत्ति को समर्थन कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि G20 के सम्मेलन में, जो भारत में इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, उसमें प्रधानमंत्री ने अचानक अपने आगे भारत दिखावा, उसके पीछे वो बैठे हुए हैं, निमंत्रण वगैरह में जो आया था जो जैसे आया था। जाहिर है ये सब बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी सलाह के किया गया है, और चूंकि प्रधानमंत्री को करना था इसलिए कर दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। अगर समर्थन सलाह है भी तो जैसे नोटबंदी को समर्थन सलाह रिजर्व बैंक का था,
वैसे ही इसको भी था और कर दिया गया। जब प्रधानमंत्री भारत लिखे हुए के पीछे बैठे दिखे तो दुनिया भर में लोगों ने, मैंने मुझसे भी अगर कुछ लोगों ने पूछा तो मैं समझ सकता हूं कि वो दुनिया में कितनी बड़ी चिंता रही होगी कि प्रधानमंत्री ये भारत कैसे हो गया, भारत क्यों लिखा हुआ है। दूसरा, उसी दिन व्हाट्सएप पे ये एक डॉक्यूमेंट घूमना शुरू किया, 55 पेज का करीब था, जिसमें बताया गया था कि भारत और इंडिया क्या है या भारत की पुरानी परंपरा वगैरह रिवाज वगैरह के बारे में बताया गया। वो भी लोगों ने पूछना शुरू किया कि ये दस्तावेज क्या G20 की बैठक में बांटा गया है। दोनों चिंता की बात थी, क्योंकि अगर G20 की बैठक में बांटा गया था तो वो उसको किसने छापा, उसका प्रकाशक कौन है, लेखक कौन है, मुद्रक कौन है, वो सब उसमें कुछ नहीं था। तो ऐसा कोई दस्तावेज G20 की बैठक में बंटना नहीं चाहिए था, लेकिन ये घूम रहा था और खूब घूमा। एक ही ग्रुप में 3-4 लोगों ने भेजा, मतलब अब वो मुझे समझ में नहीं, एक ही ग्रुप में अमूमन एक ही चीज 3-4 लोग नहीं भेजते हैं, तो 3-4 लोगों ने अगर एक ही ग्रुप में एक ही चीज भेजी तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना जोर था उस पे। तो ये सारा कुछ किया गया और अगले दिन अखबारों में नील बटा सन्नाटा, अखबारों में इस बात की कोई खबर नहीं थी कि प्रधानमंत्री उस G20 की बैठक में भारत कह रहे थे। तो जाहिर है इन्होंने भारत इंडिया का नाम भारत कर दिया। ठीक है कि वो तर्क है इंडिया दैट इज भारत, इसलिए हम भारत कहेंगे, लेकिन इतने साल का रिवाज तो यही है कि हम अंग्रेजी में इंडिया लिखते थे, तो अगर भारत लिखना था तो हिंदी में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, सब जगह लिखा हुआ है G20 में, सब जगह भारत 2023 इंडिया या इंडिया 2023 भारत लिखा हुआ है, तो इसलिए इंडिया भारत लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर उन्होंने इंडिया की जगह भारत लिखा तो ये कहीं फैसला हुआ होगा, नहीं हुआ था, और अगर फैसला नहीं हुआ था और लिख दिया गया तो एक खबर तो बनती थी, तो खबर भी नहीं बनी। तो अगर इस ढंग से चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है और उसका सपोर्ट कितना ज्यादा है जी। बाद में पता चला अगले दिन की खबर में, सिर्फ एक अखबार में खबर दिखी मुझे जो पहले पन्ने पे थी, कि वहां एक डॉक्यूमेंट बांटा गया था जिसमें बताया गया था कि भारत इंडिया क्या है, उस डॉक्यूमेंट की खबर और अखबारों में नहीं थी, और व्हाट्सएप पे दूसरा डॉक्यूमेंट घूम रहा है कि ये बांटा गया। तो ये स्थिति है और इस ढंग से प्रचार और काम चल रहा है, तो अब आप आगे के बारे में सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी और कैसे काम चल रहा है, कितना बुरा हाल है। राजीव जी, यहां चाहे हिंदुस्तान में या विदेश में कितना काउंटर कर पा रहे हैं, इंडिया गठबंधन कितना काउंटर कर पा रहा है। अभी आज ही खबर आई कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी अब अगली बैठक होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली, 13 तारीख को, इसी दो दिन बाद, परसों बैठक होने वाली है कि आगे की रणनीतियों पर इंडिया गठबंधन जो है वो काम कर रहा है। राहुल गांधी परिवार, राहुल गांधी के सरनेम को लेकर के आखिर आज क्यों चर्चा हो रही है, ये समझना जरूरी है। वरुण गांधी की बात तो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका, सोनिया और राहुल की बात क्यों कर रहे हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और अगर नाम बदलने की, सरनेम बदलने की बात है, तो मोदी सरनेम औरों के साथ भी जुड़ा हुआ है, और वो जो सरनेम जिसको लेकर के राहुल गांधी ने बात की थी, जिस पर उनको 2 साल की मैक्सिमम सज़ा हुई, तो क्या मोदी जी भी, उनको भी ऐसी ही सलाह बीजेपी के नेता देंगे कि आप भी सरनेम बदल लो, या उन लोगों को जो भाग गए हिंदुस्तान छोड़कर, उनको वो सलाह देंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं, आना चाहता हूं प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, कैसे देखा जाए, सरनेम की बात से ज्यादा यहां इंपॉर्टेंट है अगला 10 दिन, और इन अगले 10 दिनों में देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो उसके आगे के 6 महीने को कहीं ना कहीं एक दिशा देते हुए, गति देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ईडी डायरेक्टर नया होगा या कुछ नया होने जा रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से और क्या कुछ आना है, 370 पे भी अब सब कुछ हो चुका है, और एक सबसे बड़ी चीज़ जिसके कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान का नाम, वन नेशन वन इलेक्शन, तो बहुत कुछ है अगले 10 दिनों में, 15-18 महत्वपूर्ण तारीख है इसलिए भी, और राहुल गांधी कल वापस लौट रहे हैं विदेश से। ऐसे में राहुल गांधी गीता पे भी प्रवचन कर रहे थे, गीता पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े, उन्होंने पढ़ा है, ये तमाम बातें कल कह रहे थे, हिंदुत्व को लेकर के अपनी बात रख रहे थे, लेकिन पहले इन 10 दिनों की बात आपसे समझना चाहता हूं। राजीव जी, अगले 10 दिनों में देश की राजनीति जो बदल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले कुछ दिनों में जो बदली है उससे भी कम मत आंकी। घोसी का चुनाव तो एक नमूना है,
उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर क्या होगा, ये डर भी होगा प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों सारे के सारे श्रेय खुद लेना चाहते हैं, G20 का पूरा श्रेय वो विपक्ष तो क्या, दूसरी पार्टियां क्या, वो तो अपनी पार्टी के नेताओं को भी देने को तैयार नहीं है। वो उन्हें लगता है कि पूरा G20 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पे हो रहा है और वो चाहते हैं, इसीलिए हो रहा है। और मुझसे पहले बता चुके हमारे माननीय अखिल स्वामी जी की किस तरह राष्ट्राध्यक्ष नाराज होकर लौटे। केवल ये अच्छे खानसामा है हमारे प्रधानमंत्री जी, हम ये खिलाएंगे, हम ये शाकाहारी व्यंजन कराएंगे, ये कराएंगे, कोई नीति की बात करना नहीं चाहते। और हिमंत बिस्व शर्मा, क्योंकि उनको कोई काम है नहीं और उनकी नैया डोल रही है, प्रशांत जी बता चुके हैं किस तरह डोल रही है नैया, उनका उनकी रेटिंग गिर रही है, तो मोदी जी की नजरों में आने के लिए उनका एकमात्र काम बचा है कि स्मृति ईरानी की तरह वे भी राहुल गांधी पर व्यक्तिगत आक्षेप करें। अगर राहुल गांधी के गांधी सरनेम पर उन्हें आपत्ति है तो क्या पता कल को वो अम्बेडकर जी के सरनेम पे भी आपत्ति करें कि बाबा साहब भीमराव के पिताजी का नाम तो रामजी सकपाल था, तो बाबा साहब का नाम भीमराव सकपाल क्यों नहीं है, वो ये भी कह सकते हैं। जब इन लोगों को स्टैंड अप इंडिया बनाने में, मेक इन इंडिया बनाने में, इन सब योजनाओं पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गठबंधन का नाम संक्षिप्त रूप में अगर इंडिया है तो सबसे ज्यादा तकलीफ है। और जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश का बोझ अपने कंधों पर लेकर ही चल रहे हैं, बिचारों की कमर चरमरा रही होगी, कोई कितना वजन उनके कंधों पर है। देश की जितनी योजना है सब प्रधानमंत्री के नाम पर है, वो नरेंद्र मोदी नाम रखना चाहते होंगे कि नरेंद्र मोदी योजना, लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री रोजगार योजना नाम रखना पड़ा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम रखना पड़ा, नरेंद्र मोदी फसल बीमा नहीं कर सकते थे, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, धन लक्ष्मी योजना, सारी योजनाओं के नाम उनका बस चले तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दे, लेकिन उनके बस में नहीं है। मुझे ये लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतने बड़े मैं कहूँगा कलाकार हैं कि अगर आगामी वो ये भी व्यवस्था कर सकते हैं कि अगले चुनाव में जिस पार्टी को कम वोट मिलेंगे वो पार्टी जीतेगी, क्योंकि उन्हें अंदाज हो गया होगा कि बीजेपी की क्या हालत होने वाली है। तो ये सारी बातों में वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और पूरा लाइम लाइट खुद अपने ऊपर लाने के लिए, ये वैसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि चूंकि मैं प्रमुख हूं इसलिए मैं ही सब कुछ हूं। तो हमारे प्रदेश में भी ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते हैं कि जो कुछ भी होता है हमारे यहाँ केवल शिवराज सिंह चौहान करते हैं, और जैसे दिल्ली में जो कुछ होता है वो माननीय नरेंद्र मोदी करते हैं। विदेश के प्रतिनिधि जो आए उनके साथ जो बर्ताव किया उसमें एक को छोड़कर मुझे सबके साथ हुए बर्ताव पर आपत्ति है। कनाडा के ट्रूडो जी के साथ जो बर्ताव हुआ उससे तो मैं सहमत हूं कि उनको 30 सेकंड भी क्यों दिए गए, देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे देश की अखंडता से जो व्यक्ति खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो भाई तुम्हें बहुत सहानुभूति ट्रूडो साहब, खालिस्तानियों से इतने खालिस्तान समर्थक लोग आपके देश में हैं, आपके देश में जमीन बहुत सारा जमीन है तो आप थोड़ा हिस्सा दे दो उनको, भारत या हिंदुस्तान के साथ या इंडिया के साथ क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हो, दूसरे देश के मामलों में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो, चीन के मामले में टांग अड़ाते नहीं हो, जब चीन में आंदोलन होते आप टांग अड़ाते नहीं हो, भारत के मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हो। तो मुझे लगता है उनको छोड़कर बाकी सबके साथ गलत हुआ। और इस देश में प्रधानमंत्री के पास क्योंकि कोई एजेंडा है ही नहीं तो वो जो बात एजेंडा में नहीं होती है, ऐसा है राजीव जी कि एक दिन मैं घर आया और खाना तैयार नहीं था, मैंने श्रीमती जी से कहा कि खाना क्यों नहीं बना, उन्होंने कहा आपने इस कमरे की दीवार पीली क्यों पुतवाई है, नीली होनी थी। मैंने कहा भाई मैं खाने की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं ये बल्ब बिजली का बल्ब शॉर्ट हो गया आपने बदलाया क्यों नहीं। तो ये ऐसी योजना बनाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जब वो खुद कुछ कर नहीं पाते तो चीजों को घुमाते हैं, अपना काम नहीं बताते, आपने क्या किया, आपने विदेश जाकर क्या किया, आपने विदेश जाकर कहा था अगली बार ट्रंप सरकार
फिर बाइडन के हाथों आपने जो अपना सिर्फ डबल किया, और जिस तरीके से अगर बाइडन साहब को इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलता, शायद उन्हें डर होगा, तो बाइडन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के पत्रकार भी होते और वे इस सरकार के बारे में सवाल पूछ सकते थे। ये प्रोटोकॉल भी होता है कि अगर बाइडन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई तो हमारे प्रधानमंत्री को भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना पड़ता, तो वे नहीं चाहते होंगे कि उन्हें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना पड़े, इसलिए उन्होंने कहा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, भारत में बाइडन साहब को प्रेस से बात करने ही मत दो, क्योंकि उनकी उनकी मजबूरी खत्म हो गई। इससे तो बहुत सारे प्रसंग मुझे दिखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को एक ही काम है, पूरे 5 साल उन्हें एक ही काम है कि किस तरह बीजेपी का प्रचार करें, किस तरह सरकारी धन का, सरकारी संस्थाओं का उपयोग बीजेपी के हित में करें, और किस तरह आरएसएस के एजेंडों को लागू करने के लिए आगे बढ़ें। इसके अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है। आप विजन की बात करें तो माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का विजन क्या था, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। तो ऐसे यही उनके विजन है, गुरु गोलवलकर का विजन उनका विजन है, विजन के नाम पर उनके पास यही है। और भारत और इंडिया को लेकर उनकी जो भी मशक्कत, उन्हें लगता है कि अगर इंडिया कहेंगे तो इस संगठन का, इस गठबंधन का प्रचार हो जाएगा, इसलिए उन्हें लगता है भारत कहें, तो ये उनकी मतलब ये दिखाता है कि उनकी मति कितनी बड़ी है। एक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जिनकी मति बहुत बड़ी थी, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री हमारे हैं उनके पास मति की थोड़ी कमी है। राजीव जी, श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर आज के प्रधानमंत्री तक और इन सब के बीच G20 और राहुल गांधी की विदेश यात्रा, G20 से क्या कुछ निकल के आया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन गए, या विश्व गुरु का जो औजार था वो किसी और को सौंप के वो फिर वहीं आ गए जहां थे। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे कटाक्ष किए जा रहे हैं, अलग अलग ढंग से इसका विश्लेषण हो रहा है, ये होते रहेंगे ऐसे विश्लेषण। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है, सवाल ये है कि एक गठबंधन इंडिया है और दूसरा NDA है, NDA को लीड करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी BJP, और इंडिया में कई सारे नेता हैं और सीट शेयरिंग पे बात चल रही है। जल्दी ही ये अभी तय करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पार्टियाँ कौन लड़ेंगे, किन किन राज्यों में कहाँ आमने सामने की लड़ाई है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी पर, हालांकि इस बार अमलेंदु जी, इस बार राहुल गांधी पर उस ढंग का वार नहीं हो रहा है, राहुल गांधी तमाम बातें रख रहे हैं, हिंदू हिंदुत्व, गीता उपनिषद, तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, हिंदुस्तान में सनातन की बातें हो रही हैं, उदयनिधि स्टालिन की चर्चा खूब हो रही है, वो अपनी बातों पर टिके हुए हैं, अडिग हैं। लेकिन लड़ाई यहाँ कहीं ना कहीं एक मुद्दा खोजने की कोशिश हो रही है, और वो अभी तक आपको लगता है क्या कि कोई ऐसा मुद्दा जो आगे की नैया पार करा पाए बीजेपी की, वो मिल पाया है, या ये सब हवा हवाई हैं? अगले 10 दिनों में ये हवा हवाई बातें और भी सामने आएंगी और जो फिस हो जाएंगी ये माना जाए। राजीव जी, मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में ये हवा हवाई बातें बढ़ेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और RSS को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ तेजी के साथ गिर रहा है। तो RSS और भारतीय जनता पार्टी जो है कोई नया नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं, तो मोदी जी से ज़्यादा कौन आगे निकल सकता है, ये उसकी होड़ मची हुई है। मुझे लगता है हेमंत बिस्व शर्मा जो कुछ बोले हैं वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होड़ में बोले हैं, उसका राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये उनकी अंदरूनी अपनी पॉलिटिक्स है, चूँकि उनको भी लग रहा है, हेमंत बिस्व शर्मा को भी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर रहा है, तो शायद हो सकता है 2024 से पहले ही जो है हेमंत बिस्व शर्मा का नंबर आ जाए, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ना उतरे, ये हो सकता है चल रहा हो उनके दिमाग में कुछ इस तरीके की। और चूंकि वो RSS के बड़े दुलारे आजकल हो गए हैं हेमंत बिस्व शर्मा, तो इस तरह की बातें वो हो सकता है उनके पास हो कुछ सूचना है कि RSS जो है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में चुनाव में जाना नहीं चाहता है, तो इसलिए इस तरीके की बातें वो सब कर रहे हों। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं राजीव जी, और बड़े स्तर पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं, भी बहुत से लोग इस तरीके से निकल करके आएंगे। अब जहाँ तक सवाल ये है कि राहुल गांधी इस बार विदेश गए तो उस तरीके से हमने क्यों नहीं देखा, मुझे लगता है कि इस बार शायद ये रणनीति पे काम हो रहा होगा कि भाई राहुल गांधी विदेश गए हैं तो राहुल गांधी के ऊपर इस समय पैसा खर्च ज़्यादा मत करो, अभी जो G20 में पैसा खर्च किया उसकी तो कुछ वसूली करो, तो उस वसूली पे जो इस समय भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, G20 पे जो पैसा खर्च हुआ है, जो हरे रंग के तमाम पर्दे लगाए गए हैं, जो प्रधानमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर दिल्ली में लगाए गए हैं, तो वो दिल्ली से ही तो वोट नहीं मिलने, असल में उन पोस्टरों से जो
एयरपोर्ट से लेकर के भारत मंडप तक तो लगाए गए थे, उससे ये अगर सारे देश में वोट मिल जाते तो अच्छी बात, तो उससे सारे वोट ले लिए जाते। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजीव जी मुझे लगता है कई स्तर पर बेचैनियाँ हैं इस समय कुल मिलाकर के, और उन बेचैनियों का परिलक्षण जो है वो इन तमाम नेताओं के इन बयानों में एक तरीके से हो रहा है, और शायद इसीलिए इस बार जो है वो कोई समन्वय भी नहीं हो पाया कि राहुल गांधी पर किस तरीके से हमला बोला जाना है और किस मामले पर हमला बोला जाना है। तो ये कुल मिलाकर के चीज़ें हुई। अब जिस तरीके से मुद्दे बढ़ रहे हैं और जिन मुद्दों पर आगे बढ़ा जाना है, अब जैसे उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर के आगे बढ़ा गया, प्रधानमंत्री जब गए विदेश यात्रा पर तो यहाँ कह कर गए अपने भक्तों से कि भाई इस पर जो है कायदे से जवाब देना है। अब राहुल गांधी उसी मसले पर जाकर के जब विदेश में बोल रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या चीज़ उपनिषदों में है और क्या गीता में है और उन्होंने सारे धर्मग्रंथ पढ़े हैं और उन सारे धर्मग्रंथों में वो बात कोई नहीं है जो RSS भाजपा करती और कहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी इसका उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के पास उसके जवाब नहीं है, वरना तो ये इतना बड़ा मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के ऊपर हमला करने के लिए कि भाई आप जो है वो कैसे कह रहे हैं हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में क्या नहीं है, तो नहीं हुए उस तरीके के हमले। मुझे लगता है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल निश्चित तौर पर बैकफुट पर एकदम जाने लगी है और वहाँ भी जो है नेतृत्व को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ी हैं। जिस तरीके से उपचुनाव के परिणाम आए हैं उनसे भी ये संदेश गया है कि इंडिया गठबंधन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और जनता की भावनाएँ जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ रही हैं। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि एक बड़ी बेचैनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और उसी का जो है ये प्रस्फुटन जो है वो सब मिलाकर के नेताओं के बयानों में हो रहा है। राजीव जी, जी बिल्कुल। सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे आप देखते हैं गठबंधन से लेकर भारत और इंडिया के नाम होते हुए राहुल गांधी तक और उनके सरनेम तक जो कुछ चल रहा है, राजनीति किस दिशा में जा रही है? जहां तक इंडिया के गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री और उनके मित्रों में, राजनीतिक मित्रों में बौखलाहट का सवाल है, उसमें एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि 10 साल से ये सरकार में है और इसके पहले अटल जी 6 साल रहे और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ रही है, कभी भी यह इशू नहीं उठा कि इंडिया नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है, इंडिया नाम कोलोनाइजेशन का प्रतीक है, उसे बदला जाए और भारत कहा जाए, कभी नहीं रहा है। इंडिया दैट इज भारत एक अनडिस्प्यूटेड नाम है और इसका प्रयोग बराबर होता रहा है। लेकिन जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, जिस दिन विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आई और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इलेक्टोरल एरिथमेटिक्स के साथ साथ जो सामाजिक ताना बाना है उसको भी देखते हुए वो बिल्कुल में जा सकती है, पराजित हो सकती है, तो उसने बजाय इन पर हमला करने के नाम को ही निशाने पर ले लिया। इन पर हमला करने के लिए जो वैचारिक दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए था वो नहीं है। इन पर हमला करने के लिए उसने अपनी जांच एजेंसियों को आगे किया है, ED को, CBI को और भी जो जांच एजेंसियां होंगी उनको आगे किया है, और नाम पर हमला करने के लिए उन्होंने अपने उन नेताओं को आगे किया है जो अपने बड़बोलेपन के कारण ही कुख्यात हैं या सुख्यात है, विख्यात, जो भी कहना हो कह दीजिए। प्रधानमंत्री जी को नाम सताता है कि उन्होंने गांधी नाम क्यों रखा, नेहरू नाम क्यों नहीं रखा, लेकिन ये नई बात समझ में आती है कि 20,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, 20,000 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी समूह अपने ही पैसे को लाकर यहाँ निवेश किया FDI के रूप में, उस पर सरकार क्या कह रही है, एक भी शब्द उस पर नहीं बोला जाएगा। तो हेमंत विश्व शर्मा पर थोड़ा तरस खाइए, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं से थोपे गए हैं, वो आयातित हैं, उनकी मजबूरी है कि वह मैक्सिमम उन चीज़ों का उपयोग करें जिससे कि राहुल गांधी की आलोचना हो और उससे वो लाइमलाइट में रह सके। सवाल ये है कि अब आगे आने वाले में 5 राज्यों के चुनाव हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम के। इन 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश की स्थिति प्रकाश जी बराबर बताते रहते हैं हम लोगों को और आप सब लोगों को भी अंदाजा है, वहाँ पर बौखलाहट है। आज की ही खबर है कि वहाँ RSS के ही कुछ 3 या 4 प्रचारकों ने अलग हटके कोई जनहित पार्टी अपनी बना लिया। राजस्थान में भी स्थिति इसी प्रकार है, उनके यहाँ ज्यादा मारामारी है भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें उम्मीद थी कि गहलोत और बनाम सचिन पायलट के बीच जो
टग ऑफ वॉर चलेगा, जो रस्साकशी चलेगी उसका लाभ उनको मिलेगा, लेकिन वो उनको मिलने नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब उनके पास कुछ भी नहीं था तो वो इस तरफ चीजें को उठा रहे हैं। अब आते हैं G20 पे। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था और दिल्ली में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन अक्सर होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं, गुटस्पेक देशों का हुआ है, कॉमनवेल्थ का हुआ है, एशियन गेम्स हुए हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली सक्षम भी है, दिल्ली पुलिस भी सक्षम है ऐसे लोगों की सुरक्षा करने के लिए, ऐसे लोगों को या अवगत करने के लिए। लेकिन इस बार जिस तरीके से पर्देदारी की गई, सब कुछ छुपाया गया, जिस तरीके से ये तमाशा किया गया कि बाजार बंद रखा जाए, जिस तरीके से लोग नाराज हुए, ये बहुत ही एक अजीब सी स्थिति थी। अब एक सबसे बड़ी बात मैं कह के अपनी बात इस राउंड की खत्म करूंगा कि जो बाइडेन साहब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक परंपरा रही है कि जब भी कोई बैठक समाप्त होती है तो वो लोग प्रेस से रूबरू होते हैं और प्रेस से अपनी बात करते हैं, प्रेस को भी 10 मिनट मौका मिलता है अपने सवाल जवाब करने का ताकि वो बात कर सके। व्हाइट हाउस के लगातार कोशिश के बाद भी जो बाइडन को मौका नहीं मिला, और ये भी एक अजीब आयरनी है, ये विडंबना है कि हम अपने को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, हम अपने को एक लोकतांत्रिक देश कहते हैं और हैं भी लोकतांत्रिक देश, और वैशाली से लेकर अब तक का लोकतंत्र का तमाम कसीदे गाते हैं, वहां पर हम एक विदेशी मेहमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधा देने से सिर्फ इसलिए मना कर देते हैं कि उसमें कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो हमें असहज कर सकते हैं। जो बाइडेन साहब जो वियतनाम की धरती पर जाते हैं, जो एक जहाँ कहा जाता है कि वहां लोग नहीं है, लोकतंत्र का स्वरूप है, तो वहां उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। आवाज चली गई है, वीडियो ऑन हो गया है विजय शंकर सिंह साहब जनता पार्टी का। महत्वपूर्ण बातें यहाँ G20 से लेकर के तमाम बातें यहाँ रख रहे थे और देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी पर लगातार वार क्यों हो रहा है। क्या बीजेपी को भी ये बात समझ में आ गई है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द अपना निशाना रखो तो आगे हो सकता है कि कुछ फायदा हो जाए। जरा समझना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे कि बीजेपी राहुल के इर्द गिर्द निशाना लगाकर रखकर राहुल के ऊपर ध्यान केंद्रित करके अगले चुनाव में बेनिफिट उठा पाएगी क्या? भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक जितनी यात्राएं राहुल गांधी ने की हैं और पैरेलली इंडिया गठबंधन, ये अब इतना मजबूत हो चुका है, जिस विषय में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि घोसी के बाद हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की इस पर भी, क्या ये सब अब परेशान करने वाले उसमें आ गए हैं, उस लेवल पे आ गए हैं जहां से अब बीजेपी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या और भी तीर हैं तरकश में बीजेपी के? देखिए राजीव जी, मेरे को अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की वर्किंग स्टाइल देखकर अपना बचपन याद आता है। बचपन में हम लोग जब क्रिकेट खेलने जाते थे, आप लोगों के बचपन में भी हुआ होगा, जिसका बल्ला होता था वो डिसाइड करता था, वही कैप्टन बनता था, वही खेलता था, वही रूल तय करता था, और उसी प्रकार मोदी जी ने हर अपनी कार्यप्रणाली में किया है। देखिए एक छोटी सी चीज है, शेख हसीना राजीव जी इतनी बुरी तरह से नाराज हुई हैं, और जो एक बेसिक एटिकेट्स हैं जो सबको पता है, बेसिक एटिकेट्स ये कहते हैं हमारे यहाँ राइट हैंड ड्राइव है कार की, जो गेस्ट होता है, जो VIP होता है, वो ड्राइवर की बगल वाली सीट के पीछे की सीट पे बैठता है। और आप देखिए मोदी जी ने क्या किया है, शेख हसीना को ड्राइवर की सीट के पीछे बिठाया है और कुछ बाई सीट पे बैठे हैं, माने ये बेसिक कर्टेसी है, और शेख हसीना ने भी इस बात का बहुत बुरा माना है। आप सोचिए, अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने एक बात कही, शाकाहारी भोजन कराया, राजीव जी अगर मैं चीन जाऊं और वहां वो अपना भोजन मुझे कराने लगे मुझे कैसा लगेगा? अरे जो गेस्ट है आपका, जो वो खाता है, जिसका वो आदी है, जो उसको अच्छा लगता है वो आप खिलाएंगे, मुझे शाकाहारी अच्छा लगता है उनको थोड़ी अच्छा लगता है। अब चीन वाले अपना खाना खिलाने लगेंगे, साहब देखिए हमने तो उनको सांप खिला दिया और बिच्छू खिला दिया, हम कैसे खाएंगे? तो ये एक एक, एक प्रकार की और स्थिति आपने गलत कर दी। अब आप देखिए एक और चीज हुई है राजीव जी, शुरू से आप जानना चाह रहे हैं अगले 10-15 दिन में क्या होगा। एक ऐसी चीज जिस पे किसी की निगाह नहीं पड़ी है, मेरे ख्याल से प्रशांत जी ने तो वो पिक्चर देख ली है जवान,
जवान पिक्चर में लाखों करोड़ों लोग जो पिक्चर हॉल से निकल रहे हैं और जितने लोग निकल रहे हैं और अगले 6 महीने में जितने लोग भी देखेंगे, आप ये देखिए वो बीजेपी को वोट देने वाले नहीं। मैं उनकी प्रतिक्रिया देख रहा था, मैं एक एक व्यक्ति जो जवान पिक्चर को देख रहा है वो ये कह रहा है इस उंगली का हम वो करेंगे और इस उंगली पे जब निशान लगाएंगे तो जिन लोगों ने हमको परेशान किया है वोट देते समय याद रखेंगे। और इस प्रकार से पता नहीं कैसे सेंसर बोर्ड ने परमिशन दे दी शाहरुख खान की इस पिक्चर को, लेकिन ये पिक्चर अगले 6 महीने में, अभी तक तो मैं कहता था मेरा जो अपना एस्टिमेट था, अब मुझे लगता है जवान पिक्चर देखने के बाद तो एस्टिमेट और कम हो जाएगा, अब तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं शाहरुख खान की पिक्चर की दिख रही हैं। और अब देखिएगा अगले 2-3 महीने में जितने भी ये बड़े बड़े हीरो हैं जो फोटो खिंचाया करते थे, इनको भी आहट मिल गई है। ये भी शाहरुख खान ने जो उसमें डायलॉग्स बोले हैं, बिल्कुल सारे डायलॉग जो है पॉलिटिकली राइट डायलॉग्स हैं और वो डायलॉग जो है जनता के दिल में प्रभाव कर रहे हैं और जनता ये महसूस कर रही है कि शाहरुख खान, हम भी सोचते थे कि शाहरुख खान उस समय क्यों नहीं बोला, अब शाहरुख खान पिक्चर के माध्यम से बोल रहा है और जनता तक सीधे वो आवाज पहुंच रही है। तो इसलिए मोदी जी अब केवल राहुल गांधी से परेशान नहीं है, शाहरुख खान से भी परेशान है, बहुत जगह से परेशान है। और अभी देखिएगा किस प्रकार के लोग अपने अपने माध्यम से जो हमने सहा है 9 साल उसका बदला लेंगे। शान जी, शाहरुख खान से भी परेशानी है? शाहरुख खान की चर्चा में कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में उस फिल्म को, और अभी 29 लाख टिकट बिक चुके हैं और वो अब तक की हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट है। तो और वो फिल्म के बारे में मैं डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखी उनका मजा खराब हो जाएगा, लेकिन मैं अखिल स्वामी जी की बात से सहमत हूँ। मैं सिनेमा हॉल में देख कर आया हूँ और सिनेमा हॉल में जिस तरीके से तालियां बज रही थी, जिस तरीके से लोग एक्साइटेड थे उस फिल्म को देखकर, उससे लग रहा था कि उनके जहनों पे वो फिल्म असर डाल रही है और बहुत हमारे इर्द गिर्द के सवालों पे वो फिल्म है। तो जिन्होंने ना देखी हो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो फिल्म मुझे अच्छी लगी और वो ऐसी फिल्में बननी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो G20 के जो बाइडेन की बात हो रही कि जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस वियतनाम में करनी पड़ी, राजीव जी ये इतना बड़ा मामला बनेगा आगे जाके कि तमाम सारे जो मीडिया यहाँ पे आए अपने अपने राष्ट्राध्यक्षों के साथ, सबने रिपोर्ट किया है कि भारत में किस तरीके का G20 को लेकर एक घरेलू राजनीति को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस किया गया। कितना बुरा लगा होगा उन लोगों को कि पूरे रास्ते भर मोदी जी के पोस्टर दिखाई दिए। और जो विकसित देश है या जो डेमोक्रेसीज हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ ये इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर जो बाइडेन या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री या किसी और देश का प्रधानमंत्री, स्वीडन का, डेनमार्क का, जहाँ राहुल गांधी गए हैं, फ्रांस का या किसी भी जगह का, अगर प्रधानमंत्री मीडिया को रोक दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दे, राजीव जी वो अपने देश में चुनाव हार जाएगा, उसकी सरकार गिर जाएगी। हमारे देश के नागरिकों को इससे सीखना चाहिए कि विदेशों में, खासकर लोकतांत्रिक देशों में, प्रेस की आज़ादी को लेकर जनता बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है और इस बात का बहुत बुरा माना जाएगा। तीसरी बात की देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि अगले 10-15 दिन में वाकई कुछ बहुत घटनाएं होने जा रही हैं बड़ी। एक जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट गया है जिसके डिटेल्स अभी आएंगे धीमे धीमे, वो उस एफिडेविट में यूके सिन्हा जो सेबी के चेयरमैन थे, जो अब NDTV के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में बात की गई है, तमाम सारे सबूतों के बारे में बात की गई है, सेबी ने किन किन चीज़ों पर जांच नहीं की उन पर बात की गई है, उस CD की बात की गई है, एक DRI ने, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने
एक सीडी भी दी थी सेबी को। उस सीडी में 2323 करोड़ रुपए के बेनामी ट्रांजेक्शन्स की बात है, किस तरीके से वो पैसा शेयर मार्केट में आया। ये तमाम नए खुलासे आप देखिएगा आएंगे अगले कुछ दिनों में। ईडी के डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं, मुझे जो अपने सूत्रों से मालूम हो रहा है कि नए डायरेक्टर की खोज हो गई है और इनको शायद ऊपर किया जा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कानून बदलने पड़ेंगे और वो कानून केवल ऑर्डिनेंस बदलने से काम नहीं चलेगा। वो कानून क्योंकि एफएटीएफ का रिव्यू चल रहा है तो वो एफएटीएफ के जरिए भी कानून बदल भी वो पूछे जाएंगे। तो अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ होगा। और इनको डर किस बात का है राजीव जी? डर इस बात का है कि राहुल गांधी से वहाँ के यूरोपियन कंट्रीज के बड़े सारे लोग मिल रहे हैं, जो सरकारों में हैं, जो एमपीज हैं, जो प्रतिपक्ष नेता हैं। इनको डर ये लग रहा है कि कहीं ये लोग कोई अडानी के मामले में तो बात नहीं हो रही है, कहीं ये लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वहाँ नए खुलासे तो नहीं आ रहे हैं, कुछ ये लोग राहुल गांधी को नया चीज तो नहीं बता रहे। तो जैसा मैंने कहा कि अगले कुछ दिनों में या भारत की राजनीति में ये 20,000 करोड़ रुपए का मामला रहेगा और इसमें नए नए खुलासे आप देखिएगा आते रहेंगे। जो अभी एफिडेविट आया है सुप्रीम कोर्ट में, जो अब मीडिया में आ रहा है, एफिडेविट कुछ दिन पहले गया है, वो भी लीक हो रहा है मीडिया में, वो काफ़ी कुछ नए खुलासे जो है वो उसमें आएंगे अडानी के घोटाले के मामले में। और जैसा राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, फ्रांस में भी कहा, साइंस पो यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने कहा कि अडानी का नाम लिंक हो रहा है प्रधानमंत्री से, वो डॉक्यूमेंट है। तो इनको डर इस बात का रहता है कि राहुल गांधी को कोई इन्फॉर्म तो नहीं कर रहा यूरोपियन कंट्रीज में जाकर, इस बात का डर इनको सताता है, इसलिए राहुल गांधी पे बहुत अटैक हो रहे हैं। राजीव क्यों किया जा रहा है ये सवाल हम और इसका जवाब खोजने ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसको अभी बता रहे हैं प्रशांत टंडन जी की। आखिर बार बार राहुल गांधी अगर अदानी का नाम लेंगे तो अटैक होगा ही, सीधे सिंपल शब्दों में आप समझिए। और लेकिन क्या अदानी पाक साफ निकल चुके हैं? क्या अदानी के ऊपर कोई तलवार नहीं लटकी है? इसका जवाब है हाँ। और सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो चल रहा है, बहुत कुछ होना है। जरा सुनील शुक्ला जी आपसे भी समझूं कि अगला 10-15 दिन कैसे, किस हिसाब से आप देखते हैं देश की राजनीति के हिसाब से? और हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ चुनाव की ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही हैं और विरोध भी खूब है। कल भी 1200 गाड़ियों के साथ एक पूर्व बीजेपी के नेता साहब जो हैं वो 5000 लोग और 1200 गाड़ियों के साथ फिर बीजेपी में भोपाल पहुंचकर बीजेपी में बीजेपी से कांग्रेस आ चुके हैं। ये गाड़ियों का सिलसिला खूब चल रहा है। सड़कें शायद बहुत अच्छी बना दी हैं, शिवराज सिंह चौहान ने जैसा कह रहे थे कि कनाडा और अमेरिका की तरह बना चुका हूं। लेकिन यहां बात अगले 10-15 दिनों की, और उन 10-15 दिनों में ये 5 राज्यों के चुनाव की भी शायद घोषणा हो जाए, जैसा चुनाव आयोग का कहना है कि आखिरी मतलब इस महीने के अंत तक हम घोषणा कर देंगे, कैसे देखा जाए? नहीं, जो संसद का सत्र 18 से शुरू हो रहा है, चूंकि इसका एजेंडा अभी साफ साफ नहीं है, इसमें सरकार किस रूप में आएगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस एजेंडे को भी विपक्ष ने हाईजेक कर लिया है। सोनिया गांधी की जो चिट्ठी है बहुत महत्वपूर्ण है, और कम से कम विपक्ष ने अपना एजेंडा साफ कर दिया कि वह किन मुद्दों पर बात करना चाहती है या देश के सामने कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। इस चिट्ठी के माध्यम से विपक्ष ने भी सवाल पैदा कर दिया कि विशेष जो सत्र होते हैं उसमें विधायी कार्य नहीं होते, कभी नहीं हुआ है, यह विधायी कार्य इन्होंने ही पहली बार किया। इसके पहले जब जब भी विशेष सत्र बुलाया गया वो सेरेमोनियल सत्र हुआ हमेशा से, चाहे वो 1857 की क्रांति का 85 वर्षगांठ मनानी हो, चाहे देश की आज़ादी की रजत जयंती मनानी हो, या कोई भी आयोजन रहा हो, एक सेरेमोनियल तरीके से उसको मनाया गया। ये पहली बार 2017 में इन्होंने ला करके वो ये बिल पास किया जीएसटी का,
अन्यथा एक विधायी कार्य के लिए इस तरह के सत्र बुलाए नहीं जाते रहे। आने वाले दिनों में जो जो विपक्ष का एक आक्रामक रवैया सरकार के सामने, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर आप इसे निकलें कैसे। अडानी का मुद्दा बंद नहीं होने वाला है। अडानी के मुद्दे पर जितना ही आप चुप रहेंगे या जितना ही आप इसको लीपा पोती करने का सवाल करेंगे, वह और मुखर होकर के लोगों के सामने आएगा। क्योंकि अडानी का मुद्दा केवल इस बात का विषय नहीं है कि आपने भ्रष्टाचार किया। अडानी का मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री के कार्यालय से संरक्षण मिलने का आरोप है। उस मामले में यह आरोप है कि लोगों के जो सामान्य निवेशक है उसके पैसे का दुरुपयोग किया गया, बढ़ा चढ़ा करके शेयरों की कीमत बनाई गई और उनसे बेमानी पैसे लिए गए। तो इस तरह के गंभीर आरोप है। सरकार द्वारा एक उद्योगपति को लगातार संरक्षण दिए जाने का आरोप है। सरकार द्वारा उस उद्योगपति को विदेशों में सरकार के संरक्षण में सरकार की पहल पर व्यवसाय की अनुमति दिए जाने का सवाल है। अडानी का मुद्दा एक सामान्य मुद्दा नहीं है। दूसरी चीज यह है कि राहुल गांधी ने राहुल गांधी के साथ जो बातें कही जा रही हैं, आखिर इस तरह की आपने राजीव जी कभी देखा है कि आप किसी देश में 20, 25, 50 विदेशी अतिथि आने वाले हो, राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हो, और उस देश में स्वयं सरकार अपने देश के नाम को लेकर विवाद पैदा कर दे। इस पर भाषण लेने कि इस देश का नाम क्या होगा। आपके दरवाजे पर लोग खड़े हैं, उनको आपको रिसीव करना है। आप इंडिया के प्रतिनिधि होकर रिसीव करना चाहते हैं कि भारत के प्रतिनिधि रिसीव करना चाहते हैं। ये कहीं दुनिया में हुआ है क्या? ये पहली बार ये हुआ, ये कहीं हुआ? मैंने कोई अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के आयोजन किस देश में हुए हो, उस देश में आप इस तरह के विवाद पैदा करें कि कितने पूरे पूरे शहर को बंद कर दिया जाए। ये चर्चा होने लगे अखबारों में कि साहब आपके बंदी की वजह से किसी देश का प्रधानमंत्री लोगों से मिल नहीं पाया, उनको वहां जाना था। कहीं नहीं हुआ आज तक, ये कहीं इस तरह के विवाद नहीं पैदा किए गए। ये जो सवाल हो रहा है ना कि जो राहुल गांधी सवाल पैदा कर रहे हैं, कांग्रेस जो सवाल पैदा कर रही है, इंडिया तो सबोस जो सवाल पैदा कर रहा है, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। इसीलिए नाम के विवाद पैदा करो आप, एक राष्ट्र एक चुनाव, जो चीज संभव नहीं है। अगर आप करना भी आज चाहें तो एक राष्ट्र एक चुनाव संभव नहीं है। न तो आपके पास इतने संसाधन है और न तो आप इतने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप ला सकते हैं, तो आप इस तरह की चर्चा क्यों चलाना चाहते हैं? भारत और इंडिया एक है, संविधान हमारा कहता है। अब उसमें एक नया आप भारत का नाम ड्राफ्ट करना चाहते, वो आप कर नहीं सकते हैं। उसके लिए जो संशोधन की प्रक्रिया चाहिए, वो आपके पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी राजनीतिक जन समर्थन, राजनीतिक समर्थन आपके पास नहीं है। तो केवल इसी तरह के विषय पैदा करके जो मूल विषय है उनसे ध्यान हटाने की कोशिश चाहिए। और जी बताइए, 75 साल हो गए इस देश की आजादी के, क्या 2014 में सरकार हार गई तो मनमोहन सिंह जी की विदेश नीति फेल थी क्या? दुनिया के पैमाने में भारत की प्रतिष्ठा नहीं थी? जितनी प्रतिष्ठा विदेश नीति ने कमाई मनमोहन सिंह के जमाने में, वो उसका उल्लेख उसके उसका उल्लेख नहीं होता देश में, पूरी दुनिया के पैमाने पर नहीं होता। विदेश नीति पर विदेशी कारणों से आप अपने स्थानीय चुनाव नहीं जीतते हैं, संभव ही नहीं है ये। आप 2-4 दिन तक आप इसका माहौल बना लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, और आपको दिखाई पड़ेगा जब जी ट्वेंटी के तमाम आयोजन देश के तमाम राज्यों में उनकी राजधानियों में आयोजित किए जा रहे थे, उसी सब 6 राज्यों में उपचुनाव हो रहा था। उत्तर प्रदेश में भी आयोजन हुए, घोसी में जहां उपचुनाव हुआ उसके बगल में एक आयोजन हुआ था बनारस में, बड़े पैमाने पर मोदी जी के फोटो लगे थे, तमाम विदेशी प्रतिनिधि आए थे और बहुत चकाचौंध थी। क्या हुआ? आपने क्या रांची में आयोजन नहीं किया था? और वहां पर जो चुनाव हो रहा है डुमरी में, वो उसका असर कोई पड़ा क्या? सवाल है कि जनता से जो जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों का समाधान किए बगैर आप चुनाव में जन समर्थन नहीं हासिल कर सकते। एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो अलग की बात है। ये जो फिल्म की बात की अखिल जी ने और प्रशांत जी ने, मैं सोचता था कि आखिर जो भाजपा के समर्थक लोग हैं, हमारे मित्र हैं, वह इस फिल्म की आलोचना क्यों कर रहे हैं? आज प्रशांत जी की बात से और स्वामी सर की बात से मुझे समझ में आया, जितने हैं, मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि आखिर किन किन लोगों का उसके बारे में जो टिप्पणियां हैं वो खिलाफ आई। एक सज्जन ने तो यहां तक लिखा है कि आप वह गलती मत कर दीजिएगा जो मैंने की थी, मैं फिल्म देखने चला गया और मुझे इतनी बुरियत हुई जो कभी नहीं हुई थी। हमने कहा ऐसा कोई, कब से मैं फिल्म के क्रिटिक हो गए?
लेकिन वो बड़े बड़े मैंने सरकार के समर्थक है और सत्तारूढ़ दल के समर्थक है। अब मुझे बातें समझ में आई, अभी थोड़ी देर बाद में सुन रहा था स्वामी सर की बात कि फिल्म के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर सोचने लगा कि जो हमारे तमाम मित्र हैं वह इतना निगेटिव फिल्म के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। यह अब स्पष्ट हो रहा है कि उस फिल्म में कहा क्या गया है जो इस सरकार के कितना खिलाफ जा रहा है। जी, उस फिल्म की बात हो रही है कि आखिर उस फिल्म में कहा क्या गया है, जवान फिल्म की बात है और उस फिल्म में क्या कुछ है, क्यों उसकी इतनी चर्चा हो रही है, जाकर देखिए तो फिर पता चलेगा, क्योंकि मैं भी अभी नहीं देखा हूँ तो इसलिए मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे थे या अभी सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं या स्वामी जी कह रहे हैं, उस उन इन लोगों की बातों से एक बात तो समझ में आ रही है कि कुछ मैसेज ज़रूर ऐसा है जो सत्ता पक्ष को शायद वो मैसेज चुभ रहा हो। खैर, आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे देखा जाए ये 1200-1500 गाड़ियों का काफिला, वो तो ठीक है लेकिन कांग्रेस गायब हो गए हैं सर। लगता है स्टूडियो के लाइट चली गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। आई कांट हियर। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी बड़ी दिलचस्प बात हुई। मध्य प्रदेश के दो बार के जिलाध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष रहने वाले एक नेता है बीजेपी के, जो कांग्रेस में चले गए और उनके भाई मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। बीजेपी उन्हें टिकट देने वाली नहीं है तो वो उसी से नाराज हैं और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस जा रहा हूं और बीजेपी चाहती है कि मेरे भाई को टिकट न मिले जो बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है। तो ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता का टिकट काटना चाहती है बीजेपी और इसी से शर्मा जी के भाई गिरिजा शंकर शर्मा नाराज हैं और वो अपने साथियों को लेकर चले गए कमलनाथ जी से मिलने। उन्होंने एक बात की और घोषणा की, अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं अपने परिवार के किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ूं तो वो मैं लड़ने वाला नहीं हूं, मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। मध्य प्रदेश में लगातार हर दिन कोई ना कोई बड़ा नेता बीजेपी का, चाहे सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, लगातार पार्टी छोड़ छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है और इससे बीजेपी की बड़ी फजीहत हो रही है। लगातार इसमें सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं चंबल ग्वालियर इलाके के, जो सिंधिया जी का इलाका माना जाता है। यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जब से दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी में हमारा वजूद खत्म हो गया है, हमें कोई पूछने वाला नहीं बचा, पार्टी हमारी बात सुनती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी उन लोगों के ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है। सारे कमाऊ माने जाने वाले पद उनको दे दिए गए हैं और वे खूब पैसा कमा रहे हैं, वसूली कर रहे हैं और न पार्टी फंड में दे रहे हैं न हमें कमाने का मौका दे रहे हैं। ये एक बहुत बहुत व्यापक नाराजगी बीजेपी में है और इसी नाराजगी का असर देखने को मिला कि बीजेपी इस तरह बौखलाई हुई लगती है। बीजेपी को लगता है कि क्या करें, हमारे नेता एक के बाद एक जा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के
अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसी न किसी बहाने लगातार मध्य प्रदेश आते जा रहे हैं। अब वे जल्दी ही मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। इंदौर में मेट्रो का ट्रायल रन होगा, जो केवल 6 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर का ही ट्रायल रन होने वाला है, तो उसके उद्घाटन के लिए वे आने वाले हैं। इंदौर में जो मेट्रो चलेगी वो एयरपोर्ट के पास गांधीनगर नाम के एक स्टेशन से MR10 के डिपो तक चलेगी और वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं, और इस लेकिन फिर भी क्योंकि चुनाव आने वाला है इसलिए उस ट्रेन का के ट्रायल रन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के ही ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा बनाई जा रही है, 108 फीट की वो प्रतिमा है, उस प्रतिमा का उद्घाटन करने भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं, ऐसी सूचना हमारे मुख्यमंत्री ने दी है। हमारे मुख्यमंत्री कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश न आए। वे दोनों की पूरी सेवा में लगे हैं, तन मन धन से लगे हैं कि वो पूरी किसी न किसी तरह अवश्य आए और मध्य प्रदेश में आए, ताकि पार्टी में उनके पक्ष में माहौल बने, लोगों को ये लगे कि शिवराज सिंह चौहान BJP में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास हैं, वे अमित शाह के खास हैं। और इन्हीं वजहों से शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बार बार किसी न किसी बहाने प्रधानमंत्री आए। एक और बात है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही सामने रखकर लड़ा जाने वाला है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के स्थानीय बीजेपी के पास कोई आधार नहीं है कि वो किस तरह से इस मामले को संभाले। तो उन्हें लगता है किसी भी तरह कैसे भी हो प्रधानमंत्री अगर मध्य प्रदेश आएंगे तो उन्हें ये कहने का मौका मिलेगा कि देखिए प्रधानमंत्री प्रदेश की कितनी परवाह करते हैं और क्यों वे इतनी चिंता कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश का हाल ये कि बीजेपी में हर दिन मैंने जो कहा कि नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, बुरी तरह जा रहे हैं, और ये भी एक कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री से डरे हुए हैं। बीजेपी के आलाकमान को और बीजेपी के नेताओं को, खास करके RSS के लोगों को, इनमें इसका अंदाज है कि लोग जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले वीरेंद्र रघुवंशी गए थे, भंवर सिंह शेखावत गए थे, गिरिजा शंकर शर्मा ने जो कल कमलनाथ से मिले, उन्होंने पहले ही बीजेपी छोड़ दी थी पिछले हफ्ते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने की घोषणा नहीं की थी, तब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने की घोषणा भी कर दी है। वे खुद भी विधायक रह चुके हैं और नर्मदापुरम की राजनीति उनसे बहुत प्रभावित रहती है। एक और आदिवासी नेता है और पूर्व सांसद है माखन सिंह, वो भी बीजेपी छोड़ चुके हैं, और ये भी बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ कि आखिर कैसे माखन सिंह जी को पटाया जाए, लेकिन उन्हें वो अपने पक्ष में नहीं कर पा रहे हैं। माखन सिंह का खरगोन बड़वानी जिलों में और इन दोनों लोकसभा सीटों पर काफी प्रभाव है। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंची थी, तब मध्य प्रदेश की इस भारत जोड़ो यात्रा में इन दोनों नेताओं का बड़ा इनका काफी महत्वपूर्ण रोल था और इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस तरह मध्य प्रदेश की राजनीति में लोग जा रहे हैं और बीजेपी डरी हुई है। राजीव जी, मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर के जितनी बात आप यहाँ कह रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ थी। जरा आना चाहता हूँ एक बार फिर से संजय जी आपके पास। संजय जी, कैसे देखा जाए, हालांकि अब सब समय खत्म हो रहा है लेकिन जल्दी जल्दी आप लोगों के पास आना चाहता हूँ। संजय जी, कैसे देखा जाए अगले, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, अगले 15 दिनों की अगर राजनीति और उसमें इंडिया, उसमें चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव, चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें यहाँ हो रही हैं कि पता नहीं चुनाव समय पे होगा कि नहीं होगा, लेकिन 15 दिन किस हिसाब से, किस ढंग से और किस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अब राहुल गांधी भी वापस आएंगे, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, इधर प्रधानमंत्री परेशान दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक नया रूप दिखाई देने वाला है PM का भी, जब वो चुनावी मोड में आएंगे, अलग अलग 5 राज्यों में उनका चुनाव प्रचार होगा, तो उस हिसाब से, उस लिहाज से देखा जाए तो कहाँ आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? अनम्यूट कीजिए।
रिकनेक्ट कर लीजिए एक बार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आना चाहता हूँ जरा इधर। अमलेंदु जी कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो अब तय करना है। मुझे लगता है कि ये जो आने वाले 10 दिन, जैसे आपने अपने शुरुआत में कहा भी था कि 10 दिन, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने जा रहे हैं और बहुत कुछ सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले 10 दिनों के अंदर निकल कर के सामने आएंगी कि क्या क्या इस सरकार के दिमाग में चल रहा है अभी। तो इसके बारे में अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। हो सकता है कि जो विशेष अधिवेशन जो संसद का बुलाया गया है, अब इस पर इसके बारे में तमाम कयास चल रहे हैं। अब जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के नाना पटोले, उनका बयान आ गया है कि साहब ये जो है वो मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के लिए बुलाया गया है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है संजय कुमार मिश्रा के ऊपर, उसको बदलने के लिए संसद का सत्र न बुलाया गया हो। और कुल मिलाकर के ये भी हो सकता है कि ये भय भी हो कि 2024 में लौट करके हम इस संसद में आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो उससे पहले जो है गणेश चतुर्थी पे जाकर के उसमें गैर प्रवेश तो कर दो कम से कम, ताकि ये है कि जो हमने संसद बनवाई थी उसमें हम बैठ चुके हैं एक बार। तो मुझे लगता है कि ये डर भी जो है बहुत ज़्यादा इस सरकार के दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं 2024 में जब चुनाव के बाद नई संसद गठित होगी तो उसमें संसद में प्रवेश करने के लिए मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री को, मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे। तो ये डर भी एक जो है सरकार के दिमाग में एक मस्तिष्क में हो सकता है चल रहा हो, तो इसके पीछे भी ये बुलाया गया हो, इसके पीछे चीज़ ना हो। तो बहुत सी सारी चीज़ें मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ गटमट है। इंडिया भारत को लेकर के जो बात चल रहा है, मुझे लगता है कि ये शायद चुनाव में जाने का शोषा ज़्यादा है बजाय ऐसे कि वो नाम बदलने की कुछ प्रक्रिया हो, कुछ नाम बदला जाए, क्योंकि नाम तो फिर दूसरे लोग कुछ भी रख देंगे। बिल्कुल दीजिए, अगर आपने इंडिया बदल के भारत कर दी, मतलब आपने हटा दिया इंडिया और गठबंधन ने अपना नाम भारत रख लिया, जैसे कि अरविंद केजरीवाल और श्री सिद्धू दोनों इस बात को कह चुके, राहुल गांधी भी कह चुके कि हम भी जो अगर बदल लेंगे तब आप क्या करेंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें मुझे लगता है कि है, तो इस पर ये बदलने के इस पर खेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको चुनावी मुद्दे की तरीके से इसको ले सकते हैं। मुझे लगता है ये सारी चीजें सरकार के अंदर भी चल रही होंगी राजीव जी, सरकार के अंदर ये सारी चीजें। संजय जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अब ठीक है जी। हाँ, अब क्या आ रही है जी? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है संजय जी। आप अभी आपसे सवाल ये था कि अगले 15 दिनों में देश की राजनीति को किधर जाते हुए देख रहे हैं आप? हाँ, ये स्पष्ट है कि पूरा संघ परिवार जो मौजूदा स्थिति है उससे घबराया हुआ है, और घबराहट सिर्फ हारने का नहीं है, हारने की बाद की स्थितियों का है। और मुझे लगता है कि इन लोगों ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये चुनाव हार भी सकते हैं। ये सबसे गंभीर बात है जो अब दिख रहा है। जो पहले लगता था, इन लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश करके ये समझ लिया था कि और कोई मुकाबला दे नहीं सकता नरेंद्र मोदी को, और कोई टक्कर नहीं है, और नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक बने रहेंगे या बीजेपी की ही सरकार रहेगी। इन लोगों की प्लानिंग में ये नहीं था कि दोबारा विपक्ष की सरकार आ सकती है, जो अभी तक इन्होंने जो किया है उसकी जांच करवा दे, इंक्लूडिंग अडानी मामले की। जैसे अडानी मामले का अभी तक चल रहा है कि जांच होगी नहीं तो कोई क्या करेगा, और घोटाला है, गड़बड़ है, ये स्पष्ट है। तो अगर सरकार बदलेगी तो और सब चीजों के साथ अडानी मामले की भी जांच हो सकती है, और जैसा राहुल गांधी ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर से कनेक्शन दिखाई दे रहा है, तो ये बीजेपी के लिए काफी नुकसानदेह होगा भविष्य में भी। तो इसकी घबराहट बहुत ज्यादा है, और इस घबराहट में ये लोग कैसे काम करेंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जाता। उसमें हेमंत बिश्व शर्मा क्या बोलेंगे, हेमंत बिश्व शर्मा जो बोल रहे हैं कि गांधी नाम कैसे है, तो ये तो मैंने किसी को समझने की बात ही नहीं है कि मैंने फिरोज गांधी से शादी हुई थी इंदिरा गांधी की, और फिरोज गांधी के बेटे का नाम राजीव गांधी होगा, भारतीय परंपरा संस्कृति है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो गांधी तो रहना ही था। और फिरोज गांधी अगर वो थे तो नेहरू पे इन लोगों ने प्रचार किया कि नेहरू मुसलमान थे, लेकिन गांधी पे तो कोई विवाद ही नहीं है, फिरोज गांधी तो फिरोज गांधी थे ही है ही, तो इसलिए उस नाम पे तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये लोग हारे हुए हताशा में ऐसे मुद्दे उठाएंगे, और जैसा कि कहा गया कि अगर राहुल गांधी के गांधी होने पे दिक्कत है तो वरुण गांधी के भी गांधी होने पे दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसे ही है कि इनको एक दूसरे का भी कनेक्शन नहीं समझ में आता है। तो अभी ये क्या करेंगे, बिल्कुल हताशा में कुछ भी कर सकते हैं, और उसमें मजा आएगा कि जो जवान फिल्म है उसके उसकी चर्चा ज्यादा होगी और उसको लोग देखेंगे। अभी सुनील जी कह रहे थे कि उसकी चर्चा लोग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं है, और चर्चा नहीं थी इसीलिए मुझे कल जाके देखना पड़ा, वरना मैं फिल्म नहीं देखता हूँ, मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, लेकिन उसकी चर्चा इस तरह से गायब थी कि मुझे लगा कि जरूर उसमें कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मैं कल जाके फिल्म देख आया।
और मैं तो कहूंगा कि फिल्म देखने लायक है, पर वो अलग बात है। राजीव जी आना चाहता हूं सिंह साहब आपके पास, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। और जवान फिल्म की भी चर्चा निकल आई, लेकिन फिल्म की चर्चा से इतर जो राजनीति की चर्चा है, जो इर्द गिर्द राजनीति अदानी की बात आती है और उनके इर्द गिर्द घूमती है, एक तरफ राहुल गांधी दूसरी तरफ अदानी, राहुल गांधी अदानी पे वार करते हैं, देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मोदी और अदानी की जो का जो रिलेशन है उसको सामने लाते हैं, और मोदी साहब अदानी को जस्टिफाई करने की कोशिश में राहुल गांधी के ऊपर उनके जितने भी तीर हैं सब उधर ही, लेकिन सारे दिशाहीन दिखाई दे रहे हैं, आपको वैसा लगता है? तो जवान फिल्म की बात, फिल्म मैंने नहीं देखी है, लेकिन प्रकाश जी ने फिल्म देखी थी और पहले दिन का रिव्यू फेसबुक पर डाला था, वो हमने पढ़ा था, उसे शेयर भी मैंने किया था, और तब से ही मतलब फिल्म देखने का, हो सकता है मैं भी देखने जाऊँ। बहरहाल जिस तरीके से बोल्ड डायलॉग्स हैं और जिस तरीके से सिस्टम पर सवाल उठाया गया है, बहुत दिनों बाद कम से कम पिछले 10 साल में एक ऐसी फिल्म पर सवाल उठा रही है। अब आते हैं अडानी पर। राहुल गांधी ने जो अडानी या अनिल अंबानी का राफेल के मामले में जो भी नाम लिया है, उस सबके पीछे अगर आप देखा जाए तो ये है कि वो देश की आर्थिक स्थिति को वो चर्चा कर रहे हैं, देश में जो क्रोनी कैपिटलिज्म है इसकी चर्चा कर, वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो इस पूंजीवादी कल्चर के खिलाफ नहीं है, कैसे हो सकते हैं, कांग्रेस का भी दृष्टिकोण यही रहा है, लेकिन इस पूंजीवाद में केवल एक दो पूंजीपतियों को ही सब कुछ मिले, एयरपोर्ट भी मिल जाए, सीपोर्ट भी मिल जाए, कोयला खदानें भी, और सब कुछ दिला दिया जाए, इसको लेकर उनकी चर्चा। और सबसे बड़ी बात है कि जो एफडीआई का हंगामा मचाया जा रहा है कि बहुत पैसा आया, बहुत पैसा आया, तो कल के दिन ये सारा पैसा लग रहा है कि भारत से ही साइफन करके बाहर गया है और वहीं से धूल साफ करके आया। अब अडानी के मामले में हम राहुल गांधी की अक्सर चर्चा करते हैं कि वो अक्सर इस बात को उठाए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के लिए खतरनाक और चुनौतीपूर्ण बयान तो सत्यपाल मलिक साहब का है। सत्यपाल मलिक तो कई बार कह चुके हैं ये पैसा अडानी का ही नहीं है, ये पैसा तो नरेंद्र जी का पैसा है, और इस पर भी नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी है, भाजपा की चुप्पी है, संघ की चुप्पी है, सबकी चुप्पी। संघ के बारे में मुझे बस ये कहना है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, सनातन बचारे निकलते हो, ये सब कुछ बात आपके एजेंडे के अनुसार है, आप करिए, आप बदल नहीं सकते 100 साल में, आप क्या बदलेंगे। दूसरी बात, लेकिन आप अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, अनिल अंबानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं आप, प्रधानमंत्री घूम घूम कर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इसराइल, ये जो सीपोर्ट कोयले की खदानें दिला रहे हैं उसको क्यों नहीं बोलते आप? खबर तो कल मैं दो एक दिन पहले मैंने एक वीडियो प्रोग्राम सुना था, उसमें मिस्टर अशोक वानखेड़े बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है ईडी का अत्याचार हो रहा है, उसे अत्याचार जिस तरह से ईडी के छापे पर, उसका एक उद्देश्य ये भी है कि सरकार को डरा धमका के वहां की कोयले की खानों को अडानी को देना है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार पूरी की पूरी सरकार एक बिजनेस के मॉडल के साथ खड़ी है, न सिर्फ बिजनेस मॉडल के साथ खड़ी है बल्कि उनके बिजनेस को हर तरीके से बढ़ा रही है। तो जाहिर है जब सरकार बदलेगी तो इन सब चीजों की जांच होगी, और ये बात अडानी वाली बात सिर्फ यही नहीं है, अगर बीजेपी या उनके मित्रगण या हमारे मित्रगण ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भाव बढ़ जाएगा इस G20 के कारण, एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सी चीजें दुनिया में अपने आप इन सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रही है। हमारा आपका प्रोग्राम जिस पर आप हम लोग को सब हमारे ख्यालात लेते हैं और दुनिया भर में फैलाते हैं, ये पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, आपसे जुड़ते भी हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी चाहे जो कुछ भी जाल चले उस जाल का कोई मतलब नहीं रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस को और सारे जो इंडिया गठबंधन की पार्टी उनको अपने इलेक्टोरल अलायंस को मजबूत रखना चाहिए, अपनी जो शेयरिंग है उस पर उनको स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए, और चुनाव को की तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए, और लोकसभा का भी चुनाव हो सकता है 6 महीने में हो जाए या नियत समय भी हो जाए, अगर नियत समय में भी होता है तो भी अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आज डिफेंसिव है, डरी हुई है, और यही नहीं सिर्फ डरी हुई है बल्कि RSS भी डरा हुआ है, और ये डर इनका दिख भी रहा है। जी
रहा है, कहीं ना कहीं अंदर खाने डर है, और डर ये गठबंधन का है, डर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का है, डर इस एग्रेसिवनेस का है जो विपक्ष दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि तैयारियां विपक्ष की बहुत तगड़ी है, और इन तैयारियों से इतर अगर एनडीए की बात की जाए तो वो कुनबा बिखर रहा है, टूट रहा है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, और उन 5 राज्यों में जो रिजल्ट आएंगे, उन 5 राज्यों के रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट पे भी बहुत कुछ असर आने वाले चुनाव का, उस रिजल्ट का असर होगा। घोसी के चुनाव को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, और उसकी खूब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आने वाले समय में उपचुनावों की चर्चा, विधानसभा चुनावों की चर्चा, और साथ साथ 2024 के चुनाव की चर्चा ज़रूर होगी। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों का, विजय शंकर सिंह साहब, आप जुड़े और आपने बहुत शानदार ढंग से अपनी बात, अपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। प्रशांत टंडन जी बहुत शुक्रिया आपका, और इधर स्टूडियो में हमारे साथी अमरेंदु उपाध्याय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ में जुड़े थे 2 और साथी, सुनील शुक्ला जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप लोग जुड़े, अपनी बात अपने विचार आप लोगों ने रखे। और हमारे साथ तमाम साथी बने हुए हैं, असलम चिश्ती जी हैं, एकदम सटीक चर्चा, हर पॉइंट पर ईमानदारी के साथ विश्लेषण करना डीवी लाइव चैनल पर हर दिन देखने को मिल रहा है, यही वजह है कि 3 साल कहाँ गुजर गए पता ही नहीं चला। जी बिल्कुल असलम भाई, आप लोग जुड़े और लगातार 3 साल से इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं। राजा हैं, कह रहे हैं सर योर दिस डिबेट बीइंग वॉच्ड इन मेनी कंट्रीज, ग्रेट डिबेट एंड इंडिजीनियस एक्सपीरियंस डिबेटर्स। राजा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया। और सैयद अब्दुल मुगनी साहब हैं, कौन सा चेहरा था अटल जी के सामने, बीजेपी फिर भी हारी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभिषेक जी हैं, कालू राम सही कहा, और ऐसे ही राजेंद्र बंसोड़े साहब हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग राजीव सर, बेंगलुरु से, 2024 में बीजेपी भारत मंडपम जैसा पानी पानी हो जाएगी, और कांग्रेस का खेल शुरू हो जाएगा, गुड नाइट लिख रहे हैं, गुड नाइट आपको भी। और डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलप साहब कह रहे हैं स्वामी जी 400 मैं मानता हूं आग लगा दी है, कोलकाता के वर्तमान अखबार में अपने शकील जी का बहुत सारगर्भित लेख आया है, सारे मुद्दों को शाहरुख ने जो कहा वो शकील ने उठाया है, बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारा है। और महेंद्र सिंह साहब हैं, नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार सिंह साहब। जे आर मिश्रा साहब हैं, कह रहे हैं कि बुद्धिमान आदमी की इज्जत हर जगह होती है, परंतु चालाक आदमी एक दिन खुद की नज़रों में गिर जाता है। मोदी जी दुनिया की नज़रों में गिर चुके हैं, अब अपनी नज़रों में गिर रहे हैं। और राजकुमारी सैनी जी गुड नाइट कह रही हैं, आपको भी शुभ रात्रि, गुड नाइट। आलोक सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, लिख रहे हैं G20 आयोजन के बाद मोदी जी एक अवसर के रूप में देख रही थे, और इस बार भी बाइडेन जी ने वियतनाम में पानी फेर दिया। जी बिल्कुल। और असीम सैयद कह रहे हैं हाउ विल विन 2024 पूछ रहे हैं। और खानदू सिंधे हैं, कह रहे हैं इंडिया का मतलब भारत, वैसा ही मोदी जी का मतलब अडानी। और राजकुमारी जी गुड नाइट लिख रही हैं। MD पंत साहब कह रहे हैं अदानी का भूत भाजपा को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, और मोदी जी डरे हुए हैं इसलिए गलत निर्णय ले रहे हैं। और देवेश भट्ट साहब हैं, इनको अपनी माँ से पक्का पूछना चाहिए कि क्या वो खैर। और ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं, बहुत बहुत अच्छा डिबेट है। सैयद अब्दुल मुगनी साहब कह रहे हैं, और MD पंत साहब, बहुत सारे साथी, असलम चिश्ती जी आज की तारीख में अघोषित आपातकाल के माहौल में सत्य की भाषा बोलना कोई आसान काम नहीं है, डीवी लाइव चैनल के कर्मवीर पत्रकार ही ऐसा बोल सकते हैं। असलम चिश्ती जी लिख रहे हैं स्मोकी ब्लॉक्स हैं, पेट्रोल महान टमाटर के समान। और सुजीत चक्रवर्ती जी कह रहे हैं राजीव जी शानदार चर्चा। राम विलास जी हैं हमारे साथ, और विजय कोमल जी हमारे साथ हैं, डीवी लाइव पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होती है लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको विजय कोमल जी। अलीपुर जीटा कौशंबी UP से हमारे साथ हैं, कह रहे हैं सत्ता बदलने के बाद बीजेपी पर फिल्म बनेगी जिसमें दिखाया जाएगा कि नेता से सवाल आम पर होगा तो जवाब इमली पर आएगा। और जुझार आर्ट्स भी हमारे साथ हैं, स्टैंड विथ मणिपुर। और गोपाल नागर भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं नमस्कार, आपको भी नमस्कार करता हूं। और आज के समय में इंसान की सरलता और सभ्यता उसकी ताकत है, कमज़ोरी नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और न्यूट्रिशन क्लब भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ राजकुमारी सैनी जी बनी हुई हैं। नरसिंह कुंदलवाल साहब कह रहे हैं कि
मोदी ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं तो अदानी और मणिपुर पर सत्र क्यों नहीं बुलाना चाहते? बिल्कुल सही सवाल है। और केसर सिंह साहब हैं हमारे साथ में, राहुल गांधी की फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हो दिखाना चाहिए है कह रहे हैं। न्यूट्रिशन क्लब कह रहे हैं अदानी जी मोदी इस आपका कमेंट थोड़ा ऊपर चला गया है। नवीन राजा नावेद राजा भी हैं हमारे साथ, न्यूज़ डीवी लाइव न्यूज़ चैनल ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। राजकुमारी जी गुड नाइट लिख रही हैं, गुड नाइट आपको। सैयद अब्दुल मुगनी साहब, डीवी लाइव नाइस रिपोर्टिंग होती है आप लोगों की, बहुत शुक्रिया मुगनी साहब। और देवेंद्र चटर्जी जी कह रहे हैं अब मोदी चेहरा गया अंधभक्त ही वोट देगा, जुमला कौन सुनेगा। और दिलचंद शिवहरे भी हैं, आवाज़ कम आ रही है सर लिख रहे हैं। और राजा भी हमारे साथ, स्मोकी ब्लॉग्स हैं, मणिपुर की बात करें, मणिपुर इज़ बर्निंग फॉर अदानी कैन माइन द हिल्स ट्री। और अभिषेक जी कह रहे हैं सभी लोग गूगल पर सर्च करें कि भारत ने G20 पर कितना खर्च किया और वहाँ और पहले जहाँ जहाँ हुए थे उन देशों में खर्च कितना खर्च किया गया, जबकि उनमें तो आर्थिक तौर पर सुप्रीम पावर देश भी शामिल करें सर्च जी। गुड नाइट लिख रहे हैं असलम भाई। और राजीव गुलाटी जी कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ ना सूझे घर नाम हो मोदी। और ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं, राजेंद्र बंसोड़े साहब गुड नाइट लिख रहे हैं, मोहम्मद नाजिर आलम हैं बीजेपी हटाओ इंडिया को जिताओ लिख रहे हैं। और डीवी लाइव नाइस रिपोर्टिंग होती है आपकी लिख रहे हैं सैयद अब्दुल मुगनी साहब। सालिक अंसारी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इंडिया गठबंधन जीतेगा लिख रहे हैं। खांडू सिंधे साहब कह रहे हैं राहुल जी हैं तो रास्ता है, प्रियंका हैं तो प्रगति है, कांग्रेस है तो प्रोग्रेस है, टीम इंडिया जिंदाबाद लिख रहे हैं। और MD पंत साहब कह रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा बौखला गए हैं, होश में बेहोशी जैसे बोल रहे हैं। और पाठशाला पैलेस भी हमारे साथ गुड नाइट लिख रहे हैं, MD पंत साहब, खांडू शिंदे साहब, तमाम साथियों। मयंक शर्मा लिख रहे हैं राहुल गांधी को दुनिया में सही साबित कर दिया, अब अमेरिका को पता चला होगा क्या सही क्या गलत है जी। और ऐसे नौशाद अली कह रहे हैं अखिल स्वामी जी नमस्ते, आप तो खुद अभी जवान हैं और आपकी प्रतिक्रिया तो बहुत जवान है, अखिल स्वामी जी की सोच के साथ रहना पड़ेगा। और ऐसे ही राम लखन मीना भी हमारे साथ हैं। सुरेश नारायण जी का कहना है नमस्कार राजीव जी, नमस्कार मोदी जी और इंडिया का, पूरी दुनिया में प्रेस मीडिया का बहुत आलोचना हो रही है मोदी की। और जसलीन बेनीपाल जी का कहना है गुड नाइट राजीव जी, आज की डिबेट भी बढ़िया था, आपकी चैनल बिलियन व्यूअर्स हो, बहुत शुक्रिया आपको जसलीन बेनीपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भारत इंटरप्राइजेज का कहना है शाह अरसद अली मुजफ्फर नगर से हमारे साथ हैं, आपकी खबरें सच्चाई पर आधारित होती हैं, आखिर मोदी जी भारत को कब तक लुटाते रहेंगे जनता की मेहनत की कमाई। जमीर अहमद साहब हैं जो कह रहे हैं नमस्कार, कोई कहता है ज़मीन पर मेरा हक है, कोई कहता है चांद सूरज पर मेरा हक है, मगर उस ऊपर वालों की खामोशी कहती है अरे पागलों सारी कायनात पर सिर्फ मेरा हक है। अभिषेक जी हैं इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। और विजय कोमल जी हमारे साथ बनी हुई हैं, हमारे साथ राहुल रघुवंशी जी हैं आई लव माई इंडिया लिख रहे हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन खान जी कह रहे हैं नमस्कार और आपको एक बार जवान फिल्म ज़रूर देखना चाहिए जी, बिल्कुल कोशिश करूंगा। गुलशन गुलाटी जी कह रहे हैं कि आई सपोर्ट यू मस्ट आई सजेस्ट यू मस्ट शेयर द कमेंट्स ऑफ पीपल हु कमेंट ड्यूरिंग द डिबेट रादर देन हु राइट टू ऑनवर्ड द एंड ऑफ प्रोग्राम। और पुष्पा करकी भी हैं हमारे साथ, हमारे साथ असीम सईद भी हमारे साथ में, मयंक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, नरसिंह कुंदलवाल जी भी बने हुए हैं, समीर डुब्बाल जी हमारे साथ हैं गुड नाइट लिख रहे हैं, राजा हैं ये सारे कब खुश नहीं समझ पाया। और अशरफ अली गाजी भी हैं ओमान से नाइस डिस्कशन लिख रहे हैं, मोहन अतिशय बांगले भाषण आहे गायकवाड़, मोहन गायकवाड़ जी हैं। आलोक सिंह साहब कह रहे EVM हैक हो सकती है या नहीं, इस पर एक चर्चा करें जिससे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होगा। आलोक सिंह साहब बिल्कुल, अभी चुनाव के दौरान
बहुत सारी बातें ईवीएम पे भी हम लोग करेंगे। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं दोस्तों, और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। आप लोग जुड़े रहे और इस कार्यक्रम को देखते रहे। कार्यक्रम अगर पसंद आया हो, प्रोग्राम पसंद आया हो, तो इसे शेयर करना मत भूलिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।